स्वागत है आप सभी का हमारी प्यारी सी इंग्लिश की सीरीज में जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं डे फाइव में so, जल्दी से प्रेजेंट ही लगा दो कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने चारों डेज प्रॉपरली कंप्लीट कर चुके हैं सो फाइनली मैं आपके सामने आ चुकी हूँ आपका डे फाइव लेके जहाँ पे हम शुरू करने वाले है आपका नॉवल सेक्शन नॉवल सेक्शन सुन के बच्चे बड़ा थोड़ा सा बोलते ना एक डरते हैं कि यार ये एक ऐसा सेक्शन है हमारा जहाँ पे कोई पैसेज अवेलेबल नहीं होने वाला है मतलब हमको पूरी नॉवल अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेगी चैप्टर्स में पोयम्स में आपको पैराग्राफ आते हैं नॉवल में कोई पैराग्राफ नहीं होगा दूसरी चीज टोटल चार नॉवल पढ़नी है पूरा मैं आपको बताने वाली हूं आज आपके एग्जाम में चारों नॉवल्स से इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले नॉवल नंबर वन से चार मार्क्स के क्वेश्चन नॉवल नंबर टू से चार थ्री से चार एंड नॉवल नंबर फोर से चार मार्क्स के सवाल आएंगे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा मतलब आपके एग्जाम में नॉवल्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है वो आपको अटेम्प्ट करना ही है और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो मार्क्स गया देर विल बी नो ऑप्शन अवेलेबल सो ये भी एक डर होता है कि यार पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पैसेज भी नहीं है स्टोरी भी बड़ी बड़ी है ना आपके चैप्टर की स्टोरी तो भाई दो तीन मैक्सिमम तीन पेज में खत्म हो जाती है यहाँ तो भाई सा बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है पहली बात तो क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका नॉवल सेक्शन एंड जैसे कि राइटिंग स्किल कवर किए थे एकदम दमदार तरीके से वन शॉट में वैसे ही हम नॉवल को करने वाले ठीक है सो so, तैयार हो जाओ सिपाहियों चार नॉवल में से आपकी सबसे पहली नॉवल का नाम क्या है सबसे पहली नॉवल का नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवल ये क्या है इसमें अपने को क्या पढ़ना है सब कुछ बताने जा रही हूं सो so, फुल अपना कान खोलो आगे बताने से पहले आपको पता होना चाहिए इस सीरीज ये जो सीरीज है वो 25 डेज के लिए चल रही है मतलब टोटल 25 वीडियोस आपको मिलने वाली है 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 जिसके अंदर आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म टाइम 6 पीएम ठीक प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करने ऐसे ही इंग्लिश में धूम मचाएंगे चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए बस आपको कि भाई अपना जो ऐप है नाज अकेडमी ऐप इसमें फ्री टेस्ट जाके अटेम्प्ट करो ठीक है कॉन्फिडेंस यहाँ से वहां होगा आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे सवाल आते हैं वैसे सवाल बना बना के यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला गया है और आप जो आंसर uh, देते हो उसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट आपको मिल जाता है सो so, इसका बेनिफिट उठाओ बहुत सारे बच्चे उठा रहे हैं इसके अलावा यहाँ पे जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या कोई भी साइंस या कॉमर्स का ऐसा बच्चा है जिसने मैथ्स ड्रॉप करके इकोनॉमिक्स लिया या मैथ्स ड्रॉप करके सोशोलॉजी लिया या जो भी सब्जेक्ट लिया आपके लिए बैचेस है मेरे पास आप नाज एकेडमी ऐप में, में जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो मैं सब्जेक्ट्स के नाम बता देती हूँ सोशोलॉजी साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड एंड हाँ इंग्लिश तो है ही आपको पता है एंड पूरी बैच भी अवेलेबल है ठीक है मात्र फाइव हंड्रेड में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा ये क्लास ट्वेल्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात हो रही है ओके तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैम के पास आपके लिए क्या क्या है तो ये सब एक्सप्लोर किया करो ऐप में जाके ओके चलो अभी हम बढ़ते हैं सीधा आज की क्लास में जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये नॉवल किस चिड़िया का नाम है तो ये आपके सामने आपको क्या दिख रही है किताबे कौन है ऐसा जो किताब को अपना दुश्मन समझता है और कौन है यहाँ पे जो किताब को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है जल्दी बताओ आप किताब को अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो या अपना एनिमी समझते हो बताओ जरा कमेंट में <laughs> तो देखो जब इस धरती पे टेक्नोलॉजी नहीं थी जब टीवी नहीं था इंटरनेट नहीं था मोबाइल नहीं था रेडियो नहीं था लोगों के पास बस क्या थी लोगों के पास थे कलम पेन और उनके पास दिमाग तो था ही तो वो जो भी स्टोरीज उनके दिमाग में आती थी वो लिखते थे और वही एक किताब बन जाती थी और वो किताब अगर कोई दूसरा इंसान पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि वो स्टोरी पढ़ रहा है आज के टाइम पे अपने को कोई स्टोरी जाननी है तो बहुत सारी वेब सीरीज है मूवीज है फिल्म है हम देख के अपना क्या कर सकते मन भर सकते लेकिन पहले के टाइम पे तो था ही नहीं तो सिंपल सी भाषा में लोग क्या करते थे लोग हाथों से स्टोरीज को लिखा करते थे वो जो कि किताब में कन्वर्ट हो जाती थी तो वही होता है नॉवल नथिंग एल्स जो आज के टाइम पे आप बहुत सारी मूवीज देखते हो ना आप जो है आज के टाइम पे बहुत सारी जो मूवीज देखते हो देखो टोटल चार नॉवल अपने को पढ़नी है इसमें से आज पहली नॉवल में आपको पढ़ाने जा रही हूं ठीक है नेक्स्ट ये सब अपना लाइन लगने वाला है तो तैयार हो जाओ तो देखो ये आपकी नॉवल नंबर टू है ठीक है किसी ने लिखा है इसको नॉवल नंबर थ्री अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज नॉवल नंबर फोर द साइन ऑफ फोर तो ये सब स्टोरीज अपने को पढ़नी है ओके अब देखो आज के टाइम पे जो भी आप मूवीज देख रहे हो वो कहीं ना कहीं एक नॉवल से इंस्पायर होके भी आती है देख लो यार इतनी सारी नॉवल लोगों ने लिखे आज भी लिखते हैं ऐसा नहीं है कि भाई फिल्म आ गई है टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो लोग ये लिखना छोड़ दिए आज भी उतना ही पॉपुलर है ठीक है तो देखो कितनी सारी आपको तो पता ही होना चाहिए कि भाई अगर नॉवेल की बात आए लिटरेचर की बात आए तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में भाई ऐसी 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 लिखे ऐसी, ऐसी, ऐसी लिखे लिखे हैं हैं स्टोरीज कि इसका कोई जवाब ही नहीं मतलब दुनिया में फेमस उनकी किताब है सोचो तो क्या करना वो हो पैसे कैसे कमाते थे सिंपल्स है अपनी बुक बेच बेच के ठीक है तो नॉवल लिख देते थे उससे वर्निंग हो जाती थी उनकी अब देखो रोमियो एंड जूलियट ये तो आपने ये सुने भी हो गए आपको शायद बोलते हुए क्या है जो बनकर घूमते रहते ये भी एक नॉवेल थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा थ्री इडियट मूवी किसने देखा इधर पर जल्दी बताओ थ्री इडियट मूवी कौन सी नॉवल से इंस्पायर हुई है फाइव पॉइंट सम एक मिनट क्या है फाइव पॉइंट सम वन वॉट नॉट टू डू एट आई आई टी ठीक है ये नॉवल थी जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई फिल्म में आने लगी तो भाई स्टोरी रेडी है ना एक पिक्चर में क्या चाहिए होता है स्टोरी रेडी है बाकी एडिटिंग सिनेमा शॉट हीरो हीरोइन को डाल के वो स्टोरी को बना देंगे तो वैसे है ठीक है तो ये पता होना चाहिए आपको और कौन सी मूवीज है जो नॉवल से इंस्पायर हुई है काई पोचे, ये जो मूवीज थी द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये एक नॉवल लिखी गई थी चेतन भगत के द्वारा इसके अंदर जो स्टोरीज थी उसी को कन्वर्ट कर दिया गया मूवी में राइट right. उसी तरीके से और कौन सी मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड ओहो ये भी चेतन भगत की लिखी हुई एक नॉवल थी जिसका नाम हाफ गर्लफ्रेंड ही था उसको मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि नॉवल में तो भाई स्टोरी लिखी हुई है सिर्फ प्लॉट क्लाइमैक्स एनिमेशन से तो डालना है कैरेक्टर्स में जान डालनी उसके अलावा टू स्टेट्स जो पिक्चर थी वो भी नॉवल से इंस्पायर हुई थी उसके अलावा अगर हॉलीवुड की बात करेंगे तो हैरी पॉटर भी पहले नॉवल में लिखी गई थी फिर उसको सीरीज में कन्वर्ट किया गया ऐसी करके बहुत सारी नॉवेल्स है जो पूरे दुनिया भर में फेमस हुई और उसको मूवीज एंड वेब सीरीज में कन्वर्ट किया गया तो आपको भी इतना तो पता चल चुका है कि भाई नॉवल क्या होती समझ गया ना बताओ समझा कि नहीं समझा क्योंकि नॉवल आपको टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं था इलेवेंथ में तो आपने हल्के में लिया इंग्लिश को अब अच्छे से पढ़ना है ना इधर आके राइट अब आपको अच्छे से पढ़ना है तो यहां पे आपको क्या करना है इस बुक में आपके इंग्लिश के अपने को टोटल पांच चीजें नॉवल से रिलेटेड पढ़नी है ठीक है सबसे पहली चीज जो अपने को पढ़नी है वो है नॉवल का बैकग्राउंड यानी नॉवल इस धरती पे कब से आई कौन था पहला इंसान जिसने पहली नावल लिखा कौन सी ऐसी पहली नावल थी ये सब अपने को पढ़ना है बैकग्राउंड में कौन कौन से फेमस नॉवलिस्ट थे जैसे आज के टाइम में तो बहुत सारी पिक्चर फेम पॉपुलर होती है बहुत सारे डायरेक्टर बहुत सारे हीरो तो बहुत सारे लेकिन पॉपुलर कुछ ही होते हैं ना वैसे नावल की कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो पॉपुलर थे तो ये सारी चीज अपने को क्या करनी है ये सारी चीज अपने को पढ़नी है बैकग्राउंड में उसके अलावा फिर इंडिया का सीन देखना है कि इंडिया में अपने भारत में नावल कब से लिखी जाने लगी कौन कौन से फेमस जो लोग नॉवल लिखते हैं उनको हम नॉवलिस्ट बोलते हैं ठीक है फिर तीसरी चीज अपने को इस नॉवल में क्या पढ़ना है कि भाई नॉवेला क्या चिड़िया का नाम है देखो अभी मैं बता देती हूँ नॉवेला नॉवेल की छोटी बहन होती है मतलब इसके अंदर भी स्टोरी होती है लेकिन शॉर्ट स्टोरी होती ठीक है, है? नॉवेल में लॉन्ग स्टोरी होती है और नॉवेला कहानी भाई दोनों में होती है ठीक है उसके अलावा एलिमेंट्स एलिमेंट्स मतलब क्या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे मूवी है मूवी के अंदर क्या क्या होता है भाई मूवी क्या क्या चीज से मिलके बनती है उसके अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए हीरो हीरोइन विलन जो भी हो गए है ना उस मूवी का कुछ थीम होना चाहिए मतलब कोई स्टोरी के इर्द गिर्द वो मूवी बनी होनी चाहिए उसके अलावा प्लॉट यानी कि जो बीच बीच में आता है ना क्लाइमैक्स खुशी कभी खुशी कभी गम फाइटिंग वाले सीन ये सारी चीजें होनी चाहिए राइट तो ये सबसे मिलकर एक पिक्चर बनती है उसी तरीके से नॉवेल को अगर किसी को लिखना है तो नॉवेल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है देर आर टोटल सिक्स एलिमेंट्स ओके छः एलिमेंट्स है याद रखना देन नेक्स्ट है अपना टाइप्स कितने टाइप की नावल होती है कुछ होती है रोमांटिक नॉवल कुछ होती है ऑटोबायोग्राफिकल कुछ होती है हिस्ट्री बेस्ड कुछ साइंटिफिक बेस्ड होती है बहुत सारी नावल है अलग अलग टाइप की टोटल 11 टाइप की नावल्स अपने को पढ़नी है सो so ये पूरे के पूरे नावल नंबर वन में जो भी चीज़ अपने को करनी है वो आपके सामने है बैकग्राउंड इंडिया का सीन नॉवेला एलिमेंट्स एंड टाइप्स साइलेंट करनावेल का समझ में आ गई बात चलो तो फिर शुरू किया जाए आपके हाँ एक चीज तो बताने भूल गई कि भाई आपके एग्जाम में इस नोवेल से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव भाई मतलब सिंपल से आपको या तो देखो मैं बता ही देती हूँ मैं आपके लिए पूरा पीपीटी बना के लाई हूँ और इसकी नो पीपीटी -पी आपको मिल जाएगा हाँ देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या तो आपको बोला जाएगा भाई मैचअप आ जाएगा फाइन द ऑर्डर में करो फिलअप फॉल्स है ना तो टोटल तो चार नॉवल है ना तो चार में से देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक है तो ये चार नॉवल है ना तो ये नॉवल नंबर वन से ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ओके और बाकी सारी नॉवल जो है नॉवल नंबर टू थ्री फोर इसमें से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा थियरी मतलब एक सवाल लिखा होगा उसका आंसर आपको पैराग्राफ में देना है ठीक है एक नहीं दो सवाल हो गए हर नॉवल से दो दो सवाल हो गए ये टू थ्री एंड फोर समझ में आ गया तो चलो भाई तो अपना पढ़ने का फिर स्ट्रेटेजी चेंज हो जाता है ना कि भाई अगर मेरे को पता है कि नॉवल नंबर वन से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा बोलते ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा बाकी सबसे थ्योरी क्वेश्चन आ रहे तो अगर आप स्टोरी याद भी कर लोगे तो अपने ओन से लिख के आ सकते हो ना तो स्ट्रेटेजी चेंज होती है तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ नॉवल में आपको चीजों को थोड़ा मेमोराइज करना है कि ये नॉवल कितने कौन से ईयर को आई तो ईयर याद करना पड़ेगा पहली नॉवल का नाम क्या है वो सब याद करना पड़ेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं नॉवल को पढ़ना ठीक है तो मैंने क्या करी हूँ आपकी अगर हम इंग्लिश के टेक्स्ट बुक उठाए तो उसमें काफी काफी बोलते ना बोरिंग तरीके से चीजों को लिखी गई है तो मैंने क्या करी आपकी जो किताब है इंग्लिश की उसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दी ठीक है जैसे देखो आपके ये नॉवल नंबर वन ऐसा लिखी गई है ना टेक्स्ट बुक में क्या द एंथ सेंचुरी हैज गिफ्टेड इंग्लिश लिटरेचर

तो पूरी नोवेल को ऐसा माइंड मैप्स में कलरफुल नोट्स में कन्वर्ट कर दी हूं जिसका पीडीएफ आपको ऐप में फ्री मटेरियल में जाके मिल जाए ठीक है तो शर, चलो शुरू करते हैं इंग्लिश की किताब लेके बैठे हो ना तो ही काम बनेगा अदरवाइज फिर कुछ चीजें आपको हार्ड वर्ड लग रहा है मैंने बताई उसका आसान वर्ड तो लिख लो फटाक से वरना ये एक घंटा गया फिर से देखना पड़ेगा ना चलो लेट बिगिन थ्री टू वन आपके नॉवेल की शुरुआत होती है ये बताते हुए कि इस धरती पे नॉवल का आगमन हुआ है एटीन सेंचुरी को यानी कि एट्टींथ सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को दो गिफ्ट दिया है पहला है ये और दूसरा है पहले का नाम क्या है भाई पहले का नाम है प्रियोडिकल ऐसे और दूसरा जिसकी पूरी चैप्टर में चर्चा होने वाली है वो है नॉवल तो यहाँ पे बस ये लिखा गया है कि भाई एटीनथ सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को दो प्यारे प्यारे गिफ्ट दिया पहला गिफ्ट है प्रियोडिकल ऐसे और दूसरा है नॉवल क्या है लिटरेचर मतलब क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जो लिखित फॉर्म में लिखी गई है उसको बोलते हैं लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश भाषा में लिखी गई ओके? Okay? तो हुआ क्या 18 सेंचुरी से पहले लोग कविताएं लिखते थे लोग ड्रामास लिखते थे लोग अलग टाइप की स्टोरीज लिखते थे वो हम देखे गए आगे बट ये दोनों चीज ने इंग्लिश लिटरेचर को एक अलग लेवल पे लेके गए क्या अलग लेवल पे लेके गया चलो आते हैं देखो प्रियोडिकल ऐसे नॉवल तो मैंने आपको बता दी प्रियोडिकल ऐसे क्या होता है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ नॉवल में क्या होगा एक बुक है ये और स्टोरी है तो पूरी स्टोरी एक ही किताब में लिखी होगी ठीक है वो किताब इसलिए देखो तो हमेशा मोटी मोटी होती है भाई हट्टी खट्टी हेल्दी होती है एकदम तो उसमें क्या होता है पूरी स्टोरी को एक ही किताब में लिख दिया गया है राइट और पीरियडिकल ऐसे क्या होता है पीरियड मतलब कुछ वक्त में आधी स्टोरी बताए फिर ऐसा सीरियल में नहीं होता है आधे घंटे का होगा फिर आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में <laughs> तो वैसे ही प्रियोडिकल ऐसे में क्या होता है एक लंबी से जिसको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग बुक्स में रिलीज किया जाता है ओके तो यहां पे यह फर्क आपको समझ में आ गया अब प्रियोडिकल ऐसे को भूल जाओ इसका काम बस यही तक था धूम तो मचाया है भाई नॉवल ने क्या किया भाई नॉवल ने Novel तो एटीन सेंचुरी में आया ही आया साथ में एटीन सेंचुरी की जो स्पिरिट है मतलब एटीन सेंचुरी के मतलब एटीन सेंचुरी के जो भी लोग थे एटीन सेंचुरी के जमाने में जो भी लोग थे उस वक्त के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल दिमाग रियलिस्टिक बहुत पहले की बात है एटीन सेंचुरी तब सोचो अभी तो आपको बैठे बैठे यूट्यूब में सब इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाती है पहले के टाइम पे लोगों के पास नहीं था जितना दिमाग है उतना ही चलाते थे या बड़े लोग जो बोलते बस वही सुनते थे बट ये नॉवल में जो भी बुद्धिमान लोग थे वो लोग किताब लिख लिख के बेचते थे तो उस जमाने के जो नॉर्मल लोग थे वो किताब पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट हो ले थे क्या रियलिटी है उनको बुक पढ़ के पता चल रही थी और अफकोर्स इंस्ट्रक्ट रीडर तो ही रहे थे ठीक है उसके अलावा और क्या है तो ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ नॉवल ने ना हद पार पॉपुलैरिटी गेन कर लिया हद पार पॉपुलैरिटी किसके कंपेयर में हम बोल रहे हैं हद कंपैरिजन टू ड्रामा पोयम्स ठीक है ग्रीक रोमांसेस में बताऊंगी क्या है ग्रीक रोमांसेस ठीक है ये सब के कंपैरिजन में नॉवल को ज्यादा लोग पॉपुलर कर दिए मतलब लोग अब ये सब फिर कम कर दिए पढ़ना और नॉवल का ही भाई हल्ला मचने लगा ठीक है फिर ज्यादा से ज्यादा पढ़ रही पब्लिक चलो मैं भी नॉवलिस्ट बन जाता हूँ अरे भाई यूट्यूब से लोग बहुत पैसा कमा रहे मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ होता है ना ऐसा तो वैसे ही होने लगा ना जब लोगों को पता चला कि भाई लोग नॉवल बहुत ज्यादा पढ़ रहे चलो भाई हम भी स्टोरी लिखेंगे हम भी पैसा कमाएंगे <laughs> तो ऐसा बस है सीन तो ऐसे ही कर करके क्या होने लगा नॉवल जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बहुत बढ़ने लगा ठीक है और फिर डोमिनेंट पार्ट बन गया इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश लिटरेचर का डोमिनेंट डोमिनेंट मतलब सबसे पावरफुल बाकी सारे लिखित फॉर्म के कंपैरिजन में नॉवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया मतलब जो भी नॉवलिस्ट है उनकी बहुत इज्जत की जाएगी ठीक है नॉवलिस्ट लोग की नॉवल्स की बहुत इज्जत ठीक है ये सब होने लगा चलो अब आगे बढ़ते हैं ये सब कब की बात है ये सब एटीन सेंचुरी की बात मैंने आपको पीछे डायग्राम में जो भी बताई वो पूरी एज इट इज चीज आपके टेक्स्ट बुक में इस पैराग्राफ में लिखी गई ठीक है आप एक बार रीड करोगे ना बोल गए और भाई तो वही चीज है जो मैम ने डायग्राम में लिखे है ठीक है तो रीड कर लो एज इट इज वही है बस मैंने उसको कन्वर्ट कर दी डायग्राम फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आपका इंग्लिश का उसमें सिंपल सा बताया गया है नॉवेल का मीनिंग जो मैंने आपको पहले बता दी हिंदी में एक बार इंग्लिश में भी देख लेते आ देखो नॉवल इजिवली डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस नॉर्मली इन अ प्रोस फॉर्म तो नॉवल क्या होती है एक लंबी स्टोरी होती है जो ज्यादातर इंसान मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंसान होते हैं और हम भी मतलब हम इंसान रीडर्स लोग को बहुत मजा आता है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है उसको पढ़ते हैं और ये लिखित फॉर्म में होती है ये सब स्टोरीज लिखित फॉर्म में होती है डेरिवेशन डेरिवेशन मतलब क्या होता है भाई ये वर्ड आया कहाँ से नॉवल ये वर्ड आया कहाँ से तो ये इंग्लिश का एक शब्द है नॉवल लेकिन इसको चुराया गया है इटालियन इटालियन लैंग्वेज में एक शब्द था नॉवेला जिसका मतलब था न्यू तो अपुन ने क्या करें नॉवेला में से ला हटा दिए और बोले कि भाई नोवेल का मतलब ये क्योंकि ये कुछ न्यू चीज थी भाई ठीक है तो इंग्लिश में चलता रहता है इंग्लिश में भाई ग्रीक से उठाए हुए कुछ वर्ड है इटालियन से उठाए हुए अरेबिक से उठाए हुए बहुत सारे ठीक है जैसे अलजेबरा वर्ड भी आपका अरेबिक अलजब्बार से उठाया गया है वैसे इधर पे इटाल नोवेल वर्ड कहां से उठाया गया इटैलियन वर्ड नोवेला से डेट जिसका मतलब क्या होता है न्यू तो ये सब चीजें जो आपको दिख रही है छोटी मोटी यही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस में आएगी समझ में आ रही है बात यही आपके एग्जाम में आएगी कि नॉवेल वर्ड कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया है मतलब डिराइव किया गया है इटालियन ग्रीक फ्रेंच या अरेबिक तो आपको लिखना है इटालियन ठीक है सो so ये सब चीज समझो नेक्स्ट है फिर आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है टोटल छह अलग अलग बातें नॉवल के बारे में सबसे पहली चीज तो कि क्या डिफरेंस है नॉवेल की स्टोरी में बाकी सब स्टोरी के कंपैरिज़न में नॉवल की स्टोरी में क्या कंपेयर डिफरेंस है कि भाई नॉवल को इस तरीके से लिखा जाता है कि कोई एक अगर रीडर नॉवल पढ़ रहा है तो वो ना हर एक चीज को इमेजिन कर पाएगा मतलब इस डिटेल में एक एक कैरेक्टर को एक एक सीन को लिखना पड़ता है ये चीज आपको याद रख ठीक है इस डिटेल में अगर मैं बस बोलूंगी कि हीरो खड़ा था ठीक है नदी के किनारे तो हाँ आपके दिमाग में जैसी मैं नदी बोलूंगी आपके यहां हाँ भाई नदी के किनारे हीरो खड़ा था लेकिन हीरो कौन हीरो भाई एक इंसान आप इमेजिन को अगर आपको करना तो मुझे आप अगर मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगी कि भाई उसने ब्लू शर्ट पहना है नीचे ट्राउजर पहना है ब्राउन कलर का उसके बाल जो है बहुत पसीने से ब्रीज मतलब ठंडी हवा जो वो उड़ रहे हैं उसके फेस का एक्सप्रेशन ऐसा है उसके हाथ जो है वो शिवर कर रहे हैं ये जो डिटेल्स है उस कैरेक्टर की अगर मैं स्टोरी में लिखूंगी तो ही तो पढ़ने वाला ये सब चीज पढ़ते वक्त उसको इमेजिन कर पाएगा तो यही डिफरेंस है नॉवल में कि कोई भी इंसान जब नॉवल लिख रहा होता है तो उसको बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है एक एक सीन के बारे में एक एक कैरेक्टर के बारे में क्या पहना है क्या कर रहा है क्या है क्या नहीं ओके तो ये सबसे पहली चीज होगी तो ही तो मजा आएगा ना रीडर को पढ़ते वक्त इमेजिन कर पाएगा वो सीन तो ही तो मजा आएगा वरना क्या फायदा दूसरी बात

सौ पेजेस की आपने कोई कविता पढ़े हो क्या नहीं तो अगर आपको कोई चीज़ की लिमिट दे देते तो फिर आप क्या करते है? हम क्या करने लगते है? उसको कम शब्दों में समझाने के लिए वो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है लेकिन नॉवल में तो भाई जितना लिखना है लिखो तो जितना डिटेल डालना है डालो उसको जितना आसान बनाने बनाओ तो यहाँ पे बस वही लिखा है ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वेज में आता है कि भाई नॉवल किसके कंपेरिजन में ईजी हो गया तो आपको लिखना है ड्रामा एंड पोइट्री के में तो ये सब रीजन की वजह से तो लोग पॉपुलर होने आ, ये नॉवल पॉपुलर होने लगी ना चलो फिर उसके बाद क्या है थर्ड बात तो होगी फोर्थ बात क्या है मॉडर्न हैज अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोस ये वो ही बात है कि भाई आज के टाइम पे तो ये लिखित फॉर्म में बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है फिर क्या है हैज एज द लिटरेरी हैज जेनराज पिक्चर ऑफ अबाउट अबाउटेंड ऐस मतलब लगभग दो हजार साल हो चुके हैं नॉवल लिखी जा रही है नॉवल पढ़ी जा रही है दो दो हजार साल हो चुके तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है याद रखो ठीक है कितने साल हो चुके लगभग नॉवल को इस धरती में आगमन होके दो हजार साल नॉवल इन द मॉडर्न एरा यूजली मेक्स यूज ऑफ लिटरे प्रोस ये तो एक ही बात है है ना एक ही बात है इसको हटा दो चलो आगे बढ़ते हैं तो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाई वो आपको इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अभी आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है एटीन सेंचुरी में तो लोग अपने जैसे आज के टाइम पे हम एंटरटेनमेंट करने के लिए रील्स देखते शॉर्ट्स देखते है ना एटीन सेंचुरी में लोग नॉवल पढ़ते थे एंटरटेनमेंट करने के लिए सिक्सटीन सेंचुरी वाले सेवनटीन सेंचुरी वाले फिफ्टीन सेंचुरी वाले क्या करते हो एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास के लिए तो ना उस जमाने में यानी नॉवल से पहले नॉवल एटीन सेंचुरी में आया तो 17, सिक्सटीन फिफ्टीन फोर्टीन सेंचुरी में लोग क्या कर रहे थे उस टाइम ग्रीक रोमांसेस नाम की स्टोरीज, रोमांसेस एक कैटेगरी था जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता था नाम में ही लग रहा है रोमांसेस, तो ये ना प्यार मोहब्बत वाली कहानियां थी जिसमें रियलिटी कुछ नहीं होती थी बस प्यार का महत्व हीरो uh, हीरोइन hero, कैसे अपने प्यार को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं मतलब जो भी स्टोरीज होती थी वो लव परफेक्ट लव के इर्द गिर्द घूमती थी वो सारी स्टोरीज चलती थी वो भी ग्रीक ग्रीक आपने देखे हो शायद देखो व्हाइट कलर की मूर्ति बनी होती उनके घुंघराले गु, घुंघराले बाल होते तो वही है ग्रीक लोग और आपने शायद बहुत सारे स्कल्पचर्स भी देखे होंगे तो वही चलता था पहले ग्रीक रोमैंसेस यानी नॉवल से पहले ग्रीक रोमांसेस था लेकिन जब से नॉवल आया ग्रीक रोमांसेस कम हो गया ठीक है अब गौर से आओ सेमोंग द अर्ली प्रसर्स प्रिकैसर्स क्या होता है प्रिकैसर्स मतलब उससे पहले है ना जैसे ये नॉवल है तो नॉवल से पहले कौन था नॉवल से पहले ग्रीक रोमांसेस था तो प्रिकेसर्स बस एक शब्द है जैसे अगर मैं बोलूंगी कि भाई 2023 का टॉपर ये है तो इस टॉपर का प्रीकेसर कौन है 2023 टॉपर का प्रीकेसर मतलब उससे पहले वाला टॉपर कौन है 2022 का टॉपर कौन है समझ में आया तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि भाई नॉवल का प्रीकेसर कौन है यानी नॉवल से पहले कौन था तो आपको लिखना है ग्रीक रोमेंसेस ओके अभी थोड़ा ग्रीक रोमेंसेस के बारे में हम जानते आ जाओ अभी सर्च मत करने लग जाना पता चला ग्रीक रोमांसेस की स्टोरी सर्च कर रहे जरा हम भी तो पढ़े क्या था इसमें आइडियल लव प्यार मोहब्बत के बारे में <laughs> ग्रीक लगभग सेंचुरी तक बहुत वायरल था हद पार क्या था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया है देखो इमेजिनेटिव स्टोरी थी इमेजिनेटिव मतलब कोई रियलिटी नहीं थी रियलिटी नहीं था नकली कहानी जिसको बस दिमाग में हमने बना के लिख दिया डाइटफुल स्टोरीस मतलब पढ़ के खुशी होगी ऐसा कोई हॉर या ऐसा कुछ वैसी नहीं हाँ पढ़ के मजा आएगा ऐसा यानी हैप्पी एंडिंग होना स्टोरी में वैसा क्या दर्शाती थी सारी पिक्चर आइडियल लव आइडियल मतलब परफेक्ट प्यार ठीक है और थाउजेंड ईर्स ऑलमोस्ट चला कुछ कुछ ग्रीक रोमेंसेस के नाम दिए गए बस तीन ही है एक एक करके बस नाम देख लो क्योंकि तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। तो देखो वर्जिल नाम का एक बंदा था जिसने इकोलॉग नाम की ग्रीक रोमांसिस लिखा था मेलोरी नाम की एक लड़की थी उसने मोरते दी अर्थर नाम की ग्रीक रोमांसेस लिखी थी उसी के उसी तरह जियोफ्री चौसर नाम के एक इंसान था उसने सेंटोरी टेल्स नाम की एक ग्रीक रोमांस लिखा तो आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव्स में कहीं भी आते हैं तो ये तीन चीज याद रखो इकल ऑफ मोरते दर्थर एंड द सेंटेबरी तेल ये क्या है ये ग्रीक रोमांसेस है नॉवल नहीं है ये तीनों ग्रीक रोमांसेस है ग्रीक रोमांसेस नॉवल नहीं है ओके नॉवल तो बाद में आया ना आगे बढ़ते हैं तो जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई वो आपके इस पैराग्राफ में दिखी गई है अभी हम आते हैं नॉवल के बारे में चलो नॉवल से पहले क्या था जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया रिक्रोमेंसेस वगैरह था अभी हम आते हैं कि भाई दुनिया की पहली नॉवल कौन सी थी कौन था वो बंदा जिसने ये शुरू किया तो वो था मूरा सा के बूटे जिसने लिखा तेल ऑफ गेंजी गें गंजी नहीं है गैंजी ये देखो इसके बाल इतने लंबे लंबे गंजी मत पड़ना इसको गंजी नहीं थी वो बाल बहुत लंबे लंबे तो स्टोरी पे मैं फोटो भी लगाई हूं ये ऐसी दिखती थी वो नॉवल क्या नाम था दुनिया की पहली इंग्लिश नॉवल का नाम क्या था टेल ऑफ गेंजी किसने लिखा था मुरासा साकी शिकीबू एक ऑब्जेक्टिव में आएगा तो याद रखना ओके okay? की हु रोट दर्ल्ड फर्स्ट नॉवल आंसर रहेगा मुरार साकी शिकीबू प्यारा नाम है देखो ना मुरा साकी शिकी भी <laughs> याद कर लो अब यूरोप यूरोप की पहली कौन सी नॉवल थी डॉन काहुती किसने लिखा था मैग्यूल सरवंती नाम के इंसान हाँ ये कब लिखी गई थी मैं यर बता देती हूँ यर है इसका वन जीरो वन जीरो देखो यर भी कितना आसान है वन जीरो वन जीरो बस ठीक है तो ये हो गया देखो यूरोप की पहली नॉवेल इधर दिख रहा है फोटो भी लगाई हूं आपके टेक्स बुक में यह सब कुछ नहीं मिलेगा ये मैंने बनाई बैठ के रात भर जाग के तो क्या करना है इसका फायदा उठाना है ठीक है और पढ़ना है अच्छे से दिल और जान लगा के तो जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो मैं टेक्स बुक रीड करती हूँ ताकि आप लोग खुद टेक्स बुक रीड करने बैठो तो आपको समझे आ जाओ देखो मैंने क्या बताई देखो मुरासाकी साबू टेल्स ऑफ गेंजी 1010 has been described as the वर्ल्ड first novel. वही पढ़ाई मैंने कुछ अलग पढ़ाई नहीं ना वही चीज इधर लिखी है समझा क्या फिर तो दूसरा मैंने क्या बोली थी यूरोप के पहली नॉवल कौन सी है डॉन काहू थी किसने लिखा मैग्यूल्ली थी? वही चीज इधर लिखी देखो ना दूरोपियन नॉवल सेट टू बिगेन विद याद कर लेना वन जीरो सिक्स फाइव और ये बस एक्स्ट्रा डिटेल है इतना डिटेल आपको तो आता नहीं एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछेगा कि भाई सरवंती कौन सा बंदा था स्पेनिश था ऐसा सब नहीं आता इतना मेन मेन ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉवल के अलावा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते कि भाई लिटरेचर में चलो ठीक है नॉवल अब पॉपुलर हो रहा है तो उसको देख के दूसरी सारे लिटरेचर भी आगे बढ़ तो नॉवेल के साथ साथ ही एटीन सेंचुरी में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन भी चलने लगा आज तो आपको यह बच्चा बच्चा जानते हैं न्यूज़पेपर क्या है बताने की जरूरत नहीं तो ये न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स भी एटीन सेंचुरी में सोच लो बोलते ना स्टार्ट हुए वायरल अब इससे हुआ क्या देखो ये लोग जो काम कर रहे थे ना न्यूज पेपर एंड मैगजीन वाले जो काम कर रहे थे ये लोग का काम नॉवल के दिमाग की बत्ती जलाया मैं बताती हूं कैसे देखो न्यूज पेपर एंड मैगजीन में क्या होता है न्यूज पेपर में घटनाएं होती है जो रियलिटी बेस होती है हमारे आसपास जो घटना हो रही है जो असली में हुई है उसको ही लिखा जाता है ना न्यूज में असली घटनाएं होती है ना रियालिटी बेज होता है कौन लोग पढ़ते हैं सारी चीजें मिडिल क्लास ज्यादातर न्यूज पेपर किन के, के घर में आते अगर कोई लोअर मिडिल क्लास भी है ना तो उसके घर में आप लोग छोड़ो आप लोग का भाई आ गया अभी ई e, e जमाना न्यू ई e से पढ़ लेते हो या यूट्यूब के वीडियो से पढ़ लेते हो गए ध्रू राटे की वीडियो देख के ये वगैरह वगैरह लेकिन अगर कोई एल्डर्स है तो मिडिल क्लास कैटेगरी में बहुत ज्यादा न्यूज पेपर होते ठीक है बहुत रिस्पेक्टफुल लिटरेचर माना जाता है न्यूज को रिस्पेक्टफुल मतलब उसमें कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती ठीक है तो यहाँ पे क्या देखा गया कि भाई मिडल क्लास पब्लिक जो है वो कोई दूसरी चीज पढ़े या ना पढ़े न्यूज़पेपर तो भाई पढ़ती है और वो न्यूज़पेपर पढ़े ना पढ़े अपने घर मंगाती है मंगाए पढ़े ना पढ़े एटलीस्ट सर्दी के भाव में जाएगा तो सही तो इसमें ये पता चला ना न्यूज़पेपर अब आप दिमाग लगाओ पूरे दुनिया में हंड्रेड परसेंट आबादी में से आप खुद दिमाग लगाओ हंड्रेड परसेंट आबादी में से अपने पास तीन कैटेगरी के लोग अगर हम उनको पैसों से तोलेंगे एक है रिच लोग जिसके अंदर सब आ गया अमीर फिर मीडियम अमीर और सबको अपन इसी में डाल दिया अमीर इनके पास हाँ चलो भाई करोड़ों रुपया है फिर आते हैं मिडिल क्लास फिर इसमें अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर मिडिल सबको हमने डाल दिया और फिर आते लास्ट में पूर। पूर मतलब वो जो अपना खुद का बेसिक नेसेसिटी जो होती है खाना पानी और शेल्टर ये खुद पूरा नहीं कर पा रहे तो भाई दूसरी चीज तो लोग सोच ही नहीं सकते खरीदना ये सब में से सबसे ज्यादा आबादी कौन से कैटेगरी की है मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लोग कौन है अमीर लोग है मैं अगर आपको बोलती हूँ कि भाई सौ लोग हैं इस धरती में तो कितने लोग उसमें से सौ में से अमीर है कितने लोग मिडिल क्लास है और कितने लोग पुअर है आपको क्या लगता है कौन है वो लोग बिल्कुल मिडिल क्लास रिच लोग की पॉपुलेशन आप मान लो फाइव परसेंट है सौ में से पांच छह लोग हो गए जो एकदम रिच है ठीक है बीस पच्चीस परसेंट को हम डाल देते हैं पुअर में जो अपना खाना पानी तक नहीं चला पा रहे ठीक है भूखे सोना पड़ रहा है ऐसे वाले घर नहीं है रास्ते पे सोना पड़ रहा है वो उनकी बात हो रही है तो बाकी के जो बचे लगभग सत्तर प्रतिशत वो कौन है मिडिल क्लास तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो मिडिल क्लास को पसंद है तो वही पैसा ही पैसा होगा क्योंकि सत्तर प्रतिशत आबादी मिडिल क्लास की है जो आपको प्रोडक्ट खरीद लेगी अमीरों को तो एंटरटेनमेंट करना है तो लोग आउट ऑफ वर्ल्ड ना चले जाए उनका खुद का कोई लोग ट्रांसलेटर ना मंगा ले कि भाई असिस्टेंट मंगा ले बोले कि भाई मेरे को सब पूरे स्टोरी एक हफ्ते में क्या क्या न्यूज हुई है मेरे को सुना के समझ में आया तो ये बात पता चली नॉवल को मतलब जो भी लोग नॉवल लिख रहे थे इससे एक्सपीरियंस मिला क्योंकि न्यूज में रियलिटी थी रियलिटी न्यूज पसंद किया जा रहा था मिडल क्लास लोगों के द्वारा ठीक है और नॉवल उस वक्त तक जो बन रही थी वो इमेजिनेटिव बन रही थी इमेजिनेटिव मतलब मन धड़क कहानी जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है मिडिल क्लास लोग नहीं पढ़ते तो बोले भाई हमारे पास काम धंधे के अलावा टाइम नहीं है हम ये नकली मन धड़क कहानी पढ़ेंगे बैठ के तो लोग बोले चलो भाई मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं तो क्या हुआ न्यूज़पेपर और मैगजीन के आने के बाद से नॉवेल के स्ट्रक्चर में भी चेंज आने लगा मतलब ऐसी ऐसी नॉवेल्स फिर बनने लगी जिसके अंदर रियलिटी बेस्ड स्टोरी थी रियलिटी बेस्ड स्टोरी जो असली में कोई घटना हुई है उसको कैरेक्टर में हमने बना कितनी मूवीज ऐसी आपने देखी हो जो रियलिटी है शेरशाह देखे हो ना रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है राइट तो उसकी मैं बात कर रही हूं स्ट्रक्चर चेंज होना इमेजिनेटिव स्टोरी से रियलिटी बेस्ड स्टोरी कन्वर्ट होने लगा तो वो सारी चीजें ये है तो इतना आपको याद रखना में अगर आया तो भाई न्यूज़पेपर और मैगजीन मिडिल क्लास लोग पसंद कर रहे थे ओके मिडिल क्लास लोगों को ये रोमांस और इमेजिनेटिव पसंद नहीं थी स्टोरी ये सब स्टोरी रिच लोगों को पसंद थी जिनके पास बहुत टाइम है ओके okay? तो क्या होने लगा नॉवल ने भी अपना स्ट्रक्चर चेंज किया बोला कि भाई अब मैं भी क्या करूंगा ऐसे स्टोरीज बनाऊंगा जिसको मिडिल क्लास लोग पढ़ सके और सो आप हमारी बुक को परचेस कर सके ठीक है परचे सत्तर से है तो अपने को मिडिल क्लास लोगों के माइंडसेट से किताबें लिखनी पड़ेगी तो क्या होने लगा देख लो फॉरग्राउंड क्या होने लगा न्यू आया एटीन सेंचुरी के सॉरी न्यूज पेपर एंड मैगजीन के बाद क्या हुआ स्पिरिट ऑफ रियलिज्म रियलिटी बेस्ड स्टोरीज नॉवल में आने लगी रोमांटिक फीचर्स को डिनाइल uh, करने लगे मतलब थोड़ा भाई रोमांटिक फीचर्स कम करो कम करो ठीक है एंथुजियाज्मेसन को भी कम किया गया मतलब वही मन धड़क कहानी थोड़ी कम करे रियालिटी बेस्ड ओके इतना समझ में आया अब मैंने जो भी आपको पढ़ाई हूँ वही चीज आपके बुक में इस तरीके से लिखी गई है समझ में आई बात आगे बढ़ते समझ में आई पूरी स्टोरी क्या थी क्या सीन था क्या नहीं था अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इंग्लैंड यहाँ पर एक तो यूरोप इंग्लैंड कभी भी कुछ भी आ जा रहे हैं चलो अब इंग्लैंड में 1740 जो ईयर था उसके बाद क्या हुआ आप सब ने हिस्ट्री में पढ़े हो दसवीं क्लास में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने क्या किया इंसानों के एफर्ट को बचा दिया भाई पहले लोग खुद बैठ बैठ के काम कर रहे थे ठीक है पत्थर तोड़ रहे फिर मशीन बन गई अब वो काम उनका मशीन करके दे रही है तो इंसान का क्या बच गया एफर्ट बच गया भाई अब वो काम उसको तो बैठ के नहीं करना है उसका टाइम बच गया ना तो ये सब चीज आप खुद ही सोचो कि इंसान किताबें कब पढ़ेगा इंसान अपना टाइम पास कब करेगा जब उसके पास टाइम है तभी तो करेगा ना तो उसके पास टाइम कहाँ से आ रहा था क्योंकि इंग्लैंड में क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जिसकी वजह से मशीन पब्लिक का, का काम करने लग गई तो इंसानों के पास टाइम बच गया तो टाइम बच गया तो क्या करेंगे टाइम पास करेंगे एंटरटेनमेंट करेंगे तो सब चीज फिर क्या होने लगी वो सारी पब्लिक नॉवेल खरीदने लगी और अपना टाइम पास करने लगी तो वो भी एक रीजन है ठीक है इंक्रीज इन ट्रेड ये सब वो सब है इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही पार्ट है ये सब होने लगा पीपल लोग भी क्या हो गए उनके पास टाइम बचने लगा उनके पास भी पैसे आने लगे तो फिर लोग खरीद ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉवेल्स में और क्या क्या चेंजेस आए मिडल अभी हमने पकड़ लिया ना कि भाई नॉवल ने क्या पकड़ लिया था कि भाई मिडल क्लास वालों को लूंगा पैसा ही पैसा होगा तो देखो ऐसी ऐसे नॉवेल्स लिखे जाने लगी जहां पे मिडिल क्लास लोग का वॉइस मतलब भाई मिडिल क्लास लोग जो चाहते हैं उन ऐसी स्टोरीज बनाओ जो पढ़ के मिडिल क्लास अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए राइट ऐसी ऐसी स्टोरीज आने लगी मतलब पहले के टाइम पे ऐसा क्या होता था भाई हीरो एकदम अमीर हीरोइन तो भाई महारानी है एकदम और चार 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 फोर लोग के नौकर है एकदम बंगले में रहते हैं तो हम जैसे मिडिल क्लास वैसी स्टोरीज देखेंगे तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे राइट तो वो सब लेवल हटा दिया गया स्टोरी का फिर आया कि भाई हीरो जो है ना वो मिडिल क्लास है हीरोइन जो है ना वो एकदम गरीब फैमिली से है अब दोनों मेहनत कर रहे हैं ऐसे ऐसी ऐसी स्टोरीज आने लगी जो एक मिडिल क्लास इंसान अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए और उससे इंस्पायर हो पाए ओके तो समझ में आ रही है बात तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने लगी एंड यहाँ पे तो भाई ड्रामा एंड पोइट्री का तो भाई फेड हो रहा था वो तो गायब हो रहा था ठीक है क्योंकि सब चीज नॉवल में ही मिल जा रही थी ओके okay? आगे बढ़ते हैं धीरे 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 नॉवल में रोमांटिक ये सब चीज़ें तो आई रही थी ना मतलब लव स्टोरीज जो रियल हो इमेजिनेटिव तो चलता था फिर रियल आने लगा फिर ऐसी स्टोरीज आने लगी जो मिडिल क्लास रिलेट कर पाए है ना एस्पिरेशन हो फिर इंस्पिरेशन जो भी हो वैसा उसके बाद धीरे धीरे सोशल लेवल पे सोशल लेवल मतलब सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर किताबें लिखने जाने लगी पॉलिटिकल लेवल यानी गवर्नमेंट जो भी होती है उसके ऊपर किताबें लिखे जाने लगी कल्चरल कल्चर इतने दुनिया में इतने सारे कल्चर है अलग अलग कल्चर के ऊपर नॉवल लिखे जाने लगी साइंटिफिक नॉवल आने लगी भाई साइंटिस्ट लोग भी किताबें लिखना स्टार्ट कर दिए एक इंसान ने बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर दिया तो अपनी ही जिंदगी के बारे में लिख दिया और वो एक ऑटोबायोग्राफी बन गई तो ऐसी कर कर के क्या होने लगा नॉवल का डेवलपमेंट होने लगा समझे क्या शुरुआत कहाँ से हुई शुरुआत हुई ग्रीक रोमेंसेस से फिर नॉवल आई जो कि थोड़ा इमेजिनेटिव थी फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के आने के बाद नॉवल में चेंज आया रियलिटी बेस्ड नॉवल आने लगी मिडिल क्लास को टारगेट किए मिडिल क्लास अपने लाइफ से रिलेट कर पाए ऐसी स्टोरीज आने लगी फिर धीरे धीरे करके सोशल पॉलिटिकल कल्चरल एंड साइंटिफिक नॉवल भी आने लगी और ऐसी करके पूरा का पूरा सिस्टम बन गया ओके बस इतना ही तो जो भी मैंने बताया वो पूरा इधर पे लिखा गया बस अभी बस अपने को क्या करना है शॉर्ट में शॉर्ट में देखना है कि कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने नॉवल लिखे और वो बहुत दुनिया में फेमस हुई ठीक है एटीन सेंचुरी के मेजर नॉवलिस्ट कौन कौन है जॉन बुनियान कौन से नॉवल लिखे थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुई दुनिया भर में द पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम की इनकी एक किताब थी नॉवल थी जो बहुत दुनिया में फेम मतलब दुनिया भर के लोग ने पढ़े आप दिमाग लगाओ आप इंडिया में बैठे हो आपने एक ऐसी किताब पढ़े हो जो जापान का बंदा भी खरीद के पढ़ रहा है जो चाइना का बंदा भी खरीद के पढ़ रहा है सऊदी वाला भी पढ़ा है मतलब पूरी दुनिया में दुनिया में वन देश है कंट्री है छोटी बात नहीं है ये ठीक है तो ये सारी ऐसी नॉवल है जो दुनिया भर से लोग पढ़ रहे थे पब्लिक लोग उसके बाद दूसरा कौन है और नाम की नावल थी जिसको लिखा गया अफरा बेन नाम के इंसान ने देखो मैंने फोटोज लगाई टैजू में कुछ नहीं मिलेगा ये शायद आपने भी देखे हो गए इसको कार्टून भी बनाया गया था इसके ऊपर जॉनथन स्विफ नाम के जो इंसान थे उन्होंने गुलीवर्स नाम की एक नॉवल लिखे थे इसमें होता तो है ना एकदम बड़ा सा इंसान होता है और उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है और सब छोटे छोटे लोग बेचारे उसको मिलकर बहुत सताते आगे बढ़ते हैं दूसरा डैनियल डॉफी रॉबिन्सन क्रूज उसी तरीके से पमेला सेम्यूल नाम के इंसान ने तो ये सारी नॉवल जो थी ना बहुत ज्यादा वायरल थी दुनिया में उस जमाने में एटीन सेंचुरी की बात कर रहे हैं और बाकी के भी छोटे मोटे नाम दिए गए है। हैं हेनरी लॉरेंस एंड एनलुक भी शामिल थे ठीक है तो जो भी मैंने आपको पढ़ाई वो सब कुछ इधर पे आपको आप टेक्स्टबुक में लिखा हुआ दिख जाएगा तो आपको ये सब याद करना है स्टालवर्ट नॉवलिस्ट कौन है ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ठीक है स्टालवर्ट नॉवलिस्ट के बस नाम दिए गए अब उन लोगों ने कौन सी नॉवल लिखे है वो नहीं बताया गया स्टालवर्ट नॉवलिस्ट कौन होते हैं स्टालवर्ट नॉवलिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी भाई सिर्फ और सिर्फ नॉवल लिखने में बिताए और कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में मतलब पूरा दिल जान हंड्रेड एंड टेन परसेंट एफर्ट लगा के ऐसी ऐसी किताबें लिखे कि भाई साहब क्या बोले तो कितने नाम है चार्ल्स डिकन स्टालवर्ट की कैटेगरी में आते वॉल्टर स्कॉट स्टालवर्ट नॉवलिस्ट है मतलब बोलते हैं ना कि भाई ऐसा पिक्चर आती है कि भाई ये इस डायरेक्टर की पिक्चर है भाई खतरनाक होगी ही होगी क्योंकि अब तक इतनी पिक्चर डाले बनाए हैं सब ब्लॉक बस्टर हुई है ये बनाएगा तो ये भी ब्लॉक बस्टर ही होगी वैसे ये लोग थे ये लोग की नॉवल का लोग इंतजार करते थे वही नेक्स्ट नॉवल कब आएगी कब आएगी इतने ज्यादा वायरल थे लोग ठीक है उसके अलावा और कौन है नथेनियल हॉर्थोन हॉरेस वालपोले थमस हार की कॉलिंग्स एंड एट जी वेल्स ये बस आपको नाम याद करने आपके एग्जाम में आपको फाइन दन करके आ सकता है कैसे आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन बने देखो ऐसा क्या होगा मैं बताती एक क्वेश्चन वो होगा स्टालवर्ट नॉवलिस्ट और लिखा होगा फाइन द ऑड वन ठीक है और चार ऑप्शन हो गए एक दो तीन चार मैंने यहां पे एक लिख दी चार्ल्स डिकन देन वॉल्टर स्कॉट थॉमस हारडी और यहां पे लिख दी मुरार साकी शिकीव मुरारा ठीक है क्या बोल रहा है भाई ये चार नाम है इसमें से जो भी ऑर्ड वन है उसको हटा दो कौन है ऑर्ड वन आप लोग समझ चुके हो क्योंकि चार्ल्स डिकन स्कॉट एंड थॉमस हार्डी अपने स्टालवर्ट है और मुरासा की स्टालव की लिस्ट में नहीं है वो तो भाई वर्ल्ड फर्स्ट नॉवल थी ना बस तो आंसर आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा मुरासा की शिकीबी समझ में आई बात तो ये लोग के नाम याद करो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है एकदम याद करने की एक स्टोरी हम लोग ने बनाए थे तो देखो ये लोग के स्टालवर्ट नॉवलिस्ट याद करने के एक छोटी सी स्टोरी है हल, फनी सी गौर से सुन देखो चार्ल्स नाम का एक बंदा था चार्ल्स नाम का एक कौन था बंदा यानी एक इंसान था ठीक है वो क्या बोला मैं ना भाई बहुत हो गया लोग बोलते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ अब मैं ना पानी से नाता तोड़ रहा हूं ठीक है यानी वो क्या बोला चार्ल्स नाम के बंदे ने क्या बोला मैं वॉटर से नाता तोड़ रहा ये सुन के सब बोले हो अरे भाई ऐसे कैसे होगा पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा ना सब क्या बोले हो पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा ऐसे कैसे जिएगा तो उसने बोला तो क्या हो गया मैं जी लूंगा भाई जी लूंगा क्या कर लोगे तो बोला सब क्या बोले विल सी, विल सी मतलब देखते हैं रुक जाते को बताते पानी से नाता तोड़ूंगा मतलब पानी पिएगा ही ना पानी को टच करेगा ऐसे कैसे कोई इंसान जी सकता है तो उसके जो भी सामने वाले सब दो इंसान थे बोले कि भाई इसको तो सीधा जाके उठा के कुएं में फेंक देते वो पानी से नाता तोड़ने है ना उसको वहीं पे डाल देते तो सब लोग गए और ये चार्ल्स को उठा के वेल में यानी कुएं में फेंक दिए बोले कि जा वही तोड़ ला तुम पानी से नाता तो बस ये हल्का सा स्टोरी है जिससे आप याद कर सकते हो ये सब इसमें क्या हो गया सारे के सारे स्टाल्वर्ट नॉवलिस्ट के नाम कवर हो गए तो देखो चार्ल्स नाम का बंदा है जिसने क्या बोला मैं वॉटर से नाता तोड़ रहा हूं ये सुनकर सब बोले हो भाई ये कैसे होगा तो बोला तो क्या हो गया भाई कुछ नहीं होगा बोले को रुक बताते विल सी और जाके उसको कुएं में फेंक देखो ऐसी कोई भी स्टोरी बनाओगे ना तो फटाफट आपको नाम याद हो जाएगा हल्के फुल्के चलता रहता है ये तो मैं बस ऐसी ही बना दी आप भी क्या किया करो बीच बीच में कुछ चीज अगर आपको बोलते ना मेमोराइज करनी पड़ती है ना तो ऐसी रैंडम स्टोरी बना के कर लेने का क्योंकि तो एग्जाम में आप लिख आप दिमाग लगाओ ना ये किस एक चीज़ एग्जाम में लिख के आओगे क्या फिर आपको जिंदगी भर याद करनी है नहीं ना सिर्फ एग्जाम तक लिखने वाली चीज है उसके बाद कौन याद रखेगा राइट तो बस एग्जाम तक याद करने के लिए कैसे भी याद कर लो स्टोरी स्टोरी बना के हो जाए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी के कौन कौन से एटीन सेंचुरी के तो हमने देख लिए स्टालवर्ट नावलिस्ट हमने देख लिए अब आते हैं ट्वेंटियथ सेंचुरी के कौन कौन है यहाँ पे अच्छे से उन लोग के नाम है ई एम फोस्टर जैम जॉय जोसफ हेनरी जेम्स जॉर्ज ग्राहम लॉरेंस विलियम तो यहाँ पे भी क्या है सिर्फ नाम है यहाँ पे भी आप लोग क्या करना कुछ स्टोरी बना के याद कर लेना अब बस इतना आप लोग याद रखो कि ट्वेंटी सेंचुरी के जो नॉवलिस्ट है ना क्योंकि अब देखो दो सेंचुरी आगे बढ़ चुके हैं एट्टी सेंचुरी में जो लोग थे ना वो थोड़े बैकवर्ड थे उनकी थिंकिंग अलग होगी उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा अब ये ट्वेंटी सेंचुरी के जो भी नॉवलिस्ट थे इनका थिंकिंग थोड़ा सा डेवलप हो चुका था और एडवांस हो चुका था ट्वेंटी सेंचुरी तक थोड़ा टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट हो गया था तो लोग का लिखने का तरीका ना थोड़ा मॉडर्न टॉपिक से था इनोवेटिव थे लोग बहुत क्रिएटिव थे ये लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चीज़ों को लिखते थे ठीक है तो इतना बस याद रखना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप कैटेगरी ऑफ नॉवलिस्ट की लिस्ट में है इम ऑथर्स इन माइग्रेंट्स मतलब जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पे जो वो न्यू चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके बेस पे स्टोरीज लिखते हैं तो सलमान रशदी नाम के एक इंसान थे जो इंडिया के थे उन्होंने लिख माइग्रेंट ऑथर्स में आते हैं देन वी एस नेपोल काजू इशिगुरा जापान के तो यहाँ पे ये तीन ही है बस तीन है जो कौन है माइग्रेंट ऑथर ये भी आपको कैसा द दिन में आया कि तीन नाम लिखे हुए और एक कोई अलग सा ही नाम है तो आपका ना तो इसको बस कैसे याद कर लो भाई सलमान वर्सेस का सलमान वर्सेस जैसे अभी चल रहा है ना संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा अभी वो खतरनाक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा तो वैसे ही कुछ भी याद कर लो या सलमान वर्सेस काज़ू अपने को क्या करना है कौन है लेकिन ऐसा तो ये लोग कौन है ये लोग है ये तीन अगर आपके सामने आ गया तो आपको याद रखना ये इमिग्रेंट ऑथर्स इमिग्रेंट ऑथर्स ओके आगे बढ़ते हैं जो भी चीज मैं आपको पढ़ाई वो आपके टेक्स्ट बुक के इस पैराग्राफ में लिखी गई हाँ लड़कियाँ क्या लड़कों से कम है हमारी छोरी छोरों से लड़ क्या डायलॉग सॉरी हमारी छोरी छोरों से कम है के तो यहाँ पर देख लो सबकी बात हुई है तो ऑफकोर्स वुमेन लोग भी कम नहीं थे उन्होंने भी एक से एक स्टोरीज लिखे जो पूरी दुनिया भर में फेमस हुई तो ये वाली लिस्ट में क्या है ये वाली लिस्ट में ल... वो नॉवल्स जो लेडीज लोग के द्वारा लिखी गई थी और जो बहुत फेमस हुई तो देखो इवलेना नाम की एक नावल थी जो किसने लिखा था फ्रेंड्स बर्निंग गौथिक नॉवल्स गौथिक नॉवल भाई साहब गौथिक नॉवल मतलब डरावनी ऐसी ऐसी स्टोरी जो पढ़ के आपको रात में नींद नहीं आएगी ठीक है तो ये किसने एन रेड क्लिफ्स देखो उसका नाम ही कितना तो खतरनाक है एन रेड क्लिफ्स ऐसा याद रखना गौथिक नॉवल मतलब डरावनी नॉवल कौन लिखता था एन रेड क्लिफ नाम की लड़की फ्रेंकस्टाइन ये साइंस बेस्ड नॉवल थी पता है आपको साइंस की पहली नॉवल वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस नॉवल रिटर्न बाय मैरी शेली ठीक है उसी तरीके से और भी कुछ नाम लिखे गए हैं साइकोलॉजिकल नॉवल ये सब आपको याद करना पड़ेगा पहले बताई थी मेमोराइजेशन इसमें थोड़ा करना पड़ेगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अपने स्टोरी में जो भी मेन कैरेक्टर है ना मैं आपको पांच मिनट का ब्रेक देने वाली हूँ डोंट वरी तो कोई बच्चा भागना नहीं ये बस पढ़ा दूंगी फिर उसके बाद पाँच मिनट का ब्रेक दूंगी उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग भी आराम से ब्रेक लो और फिर उसके बाद हम अच्छे से कंटिन्यू करें ठीक है तो देखो जो भी मेन कैरेक्टर होता है ना उसके दिमाग में उसके दिमाग में क्या चल रहा है कॉन्शियस लेवल पे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उस की स्टोरी हमने लिख दी तो वैसी स्टोरी को हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने स्टार्ट की ऐसी स्टोरी लिखना वर्जीनिया वुल्फ आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर फाइव है द न्यू ड्रेस सेम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो, कैटेगरी है और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है है, उसके जो चैप्टर नंबर फाइव है कौन है मैबल मैबल के दिमाग में जो भी चल रहा है वो परेशान है ये सोच रही है वो कर रही है आगे का ये सोच रही है पहले ये सोचती थी, थी. वही सारी चीज स्टोरी में लिखी गई है ठीक है तो कोई ऐसी स्टोरी अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसका बोलते हैं ना इसका इनोवेशन किसने किया वर्जीनिया वुल्फ नाम की इंसान उसी तरीके से देख लो डिटेक्टिव बेस डिटेक्टिव बेस स्टोरी अगथा क्रिस्ती उसी तरीके से कुछ चंद नाम मेरे हिसाब से जो अदर्स वाले नाम है ना उसका आप स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में तो मेन मेन जो मैं आपको बस पढ़ाती हूँ ना उस पर फोकस करो जो चीज मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ तो समझ जाओ भाई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रही अगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा मैं नहीं पढ़ा रही हूँ भाई ऐसी गलती मैं क्यों करूंगी तो ये सब छोटी छोटी एंड-एंड की चीज छोड़ देने का ठीक है तो ये सब चीज जो मैंने आपको पढ़ाई लिखी हुई है अभी बस हम फाइव मिनट्स का ब्रेक लेते हैं आपको पानी पीना है वॉशरूम जाना है जो करना है करो लेकिन पांच मिनट बाद मुझे आप लोग इधर पे चाहिए ठीक है तो अभी बज रहे हैं सात बज के सात मिनट राइट सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो सात बज के बारह मिनट में अभी मिलते हैं और आगे की नॉवल को पूरा फिनिश करेंगे, ओके? ऑन एवरीवन ले लो ब्रेक मैं भी पानी पी लेती अब तक मेरी जान से बड़ी तो मेरी बोतल है <laughs> पानी की बोतल साथ में लेके बैठा करो अपने को पता है ब्रेन को अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो अपने सामने कोई भी चीज रखी होती है ना तो हम फटाफट पी लेते हैं Yes, so, हो चुका है ब्रेक अपना एंड एंड सात बज के बारह मिनट हो गए so, कमेंट सेक्शन तो में रीड कर रही थी कुछ बच्चे तो वही अलग ही लेवल पे उनका चल रहा है है ना ऐसा लग रहा है पढ़ाई नहीं कुछ और ढूंढने के लिए इधर पे आए है ना चैट करने का मौका मिल जाए कोई तो लड़की से है ना तो ये लड़की भाव दे दे क्या चल रहा भाई कमेंट में हम्म कमेंट रीड कर रही थी बैठ के पांच मिनट <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं इंडियन सिनेरियो मतलब क्या कि नॉवल में तो हमने देखे दुनिया की पहली कौन सी नॉवल थी अपने यूरोप की पहली कौन सी थी वगैरह वगैरह हमने सब देखे अभी जरा इंडिया की बात करते है ना कि इंडिया में पहली नॉवल कौन सी थी इंग्लिश की इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी तो देखो आ जाओ चलो द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज राजमोहन वाइफ ये आपको किताब दिख रही है यही थी वो राजमोहन वाइफ कौन थे वो इंसान जिन्होंने ये नॉवल लिखे थे उनका नाम था बमकिन चंद्र छोपाध्या बमकिन ठीक है छत्र चत, बमकिन चंद्र छत्ोपाध्या और ये नॉवल को सीरियल में भी कन्वर्ट किया गया था सीरियलाइज मतलब इसी के स्टोरी ले लेके सीरियल बना रहे थे जैसा हमने उसमें देखे थे ना मूवी बना रहे तो आपके एग्जाम में आया ना कि भाई इंडिया की पहली कौन सी नॉवल थी तो राजमोहन वाइफ और बमकिन चंद्र चात अब हम आते हैं कि भाई इंडिया के जो नॉवलिस्ट थे वो कैसे टाइप की स्टोरीज लिखना पसंद करते थे जब स्टार्ट हुआ नावल लिखना इंडिया में तो उस वक्त माहौल बहुत गंभीर था क्योंकि हम थे अंग्रेजों के अंडर में उस वक्त भाई बहुत खतरनाक सीन था हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तो यहाँ पे हम देश की वैल्यू बहुत ज्यादा थी क्योंकि हम बोलते हैं ना जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो उसकी बहुत ज्यादा हमको होता है कि चाहिए चाहिए बहुत चीज़ की कदर होती है और कोई चीज अपने पास ऐसी पड़ी होती है तो बोलते ना वैल्यू नहीं करता तो वो सीन था अपना देश अपने पास ही नहीं था हम ब्रिटिश के अंडर में थे और उस वक्त तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे आपको पता ही है गांधी जी जवाहरलाल नेहरू एन बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करे तो वो लोग उस जमाने में आम जनता को जागरूक करने के लिए नॉवल लिख लिख के जागरूक करते थे यानी अपने इंडिया में जो नावल लिखी जाती थी वो कोई फनी रोमांटिक वगैरह वगैरह से शुरू मतलब आज है लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब 80 परसेंट जो स्टोरीज थी वो नेशनल यानी देश के इर्द गिर्द स्टोरीज थी और सोशल इश्यूज उस जमाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में क्योंकि उस जमाने में लोग सुपरस्टिशन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे तो साइंस टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं तो बस आप लोग फिलहाल मेरे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए बस इतना याद रखो कि जब इंडिया में नॉवल लिखना लोग स्टार्ट करे तो नेशनल वर्च्यूज एंड सोशल इश्यूज टॉपिक से रिलेटेड लिखते थे ओके उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे अपने को देखना है कौन कौन से ऐसे फेमस नॉवलिस्ट है इंडिया के तो तीन ट्रायो है मतलब ये तीनों मिलकर भाई धूम मचा देते थे मुल्कराज आनंद आर के नारायण एंड राजा राव ये तीनों की क्या थी जोड़ी थी जोड़ी ठीक है ट्रायो तीनों की जोड़ी थी कि मिल के एकदम खतरनाक स्टोरीज लिखते थे उसी तरीके से हाँ मैंने जैसे बोली ना कि भाई स्टार्ट जब हुआ तो नेशनल वर्चुअल एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड स्टोरीज लिखते थे कभी ना कभी तो चेंज आएगा ना कभी ना कभी तो इंडिया में भी भाई अलग अलग साइंटिफिक नॉवल्स बायोग्राफी रोमांस से रिलेटेड हॉरर गॉथिक ये सब भी तो लिखी जाएगी तो ये सब कब से स्टार्ट हुई और किसने किया तो देखो ये सब अनीता देसाई नारायणतरा सहगल अरुण जोशी मनोहर मालगावकर ये सारे लोग थे जिन्होंने नेशनल वर्च्यूस एंड सोशल इश्यूज टॉपिक से हट के दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे नॉवल लिखना स्टार्ट करें ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है कुछ ऐसे नॉवल कुछ ऐसे नॉवलिस्ट जो ऐसी किताब लिखते थे जिसको सीरियल में कन्वर्ट करना मूवी में कन्वर्ट करना बहुत आसान था लाइक like, अमित अमिताभ घोष विक्रम सेठ एंड उपमन्यु चतर ये क्या है भाई ये क्या हो गया ओके ठीक है बोलिए क्या हो गया इसकी आत्मा निकल रही है <laughs> क्या खतरनाक तरीके से अंदर गया <laughs> वैसे निकल के पूरा इसके अंदर गया वो <laughs> क्या, हुआ? क्या हुआ क्या था इधर इंसर्ट नहीं चलो कोई बात नहीं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये क्या हो गया ये नहीं चाहिए हमको आगे आगे ओके <laughs> तो कहाँ थी हमारी गाड़ी हाँ तो ये हम देख रहे थे कि भाई ये तीन लोग ऐसे जो क्या करते थे बहुत खतरनाक नावल लिखते थे अब उसके अलावा गौर से देखो डेज़लिंग परफॉर्मेंस बाय इंडियन नॉवल्स डेज़लिंग परफॉर्मेंस मतलब ये सब के अलावा और कौन से नॉव नौ, नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक किताब लिखे उन सबके बस नाम है सलमान रुजदी अरविंद अडिगा अरुण किरण देसाई किरण नागरकर ठीक है ये सब लोग भी थे जो धूम मचा रहे थे अभी हम बढ़ते हैं आगे और जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई वो सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है तो नॉवेल के लिए बस इतना काफी है अभी हम बढ़ते हैं आगे फटाफट कवर करते हैं फटाफट हो जाएगा अभी क्योंकि आप बोलते ना रिलैक्स हो चुके हो गए आपको पता चल चुका भाई नॉवल क्या है क्या नहीं अब फटाफट देखते हैं नॉवेला क्या है आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी नॉवेला क्या है नॉवल की छोटी बहन नोवल में बड़ी स्टोरी होती है नॉवेला में छोटी स्टोरी होती है डेट्स इट नथिंग एल्स ओके सो ये जो नॉवेल ला है नॉवेल ला ले ला ये जो है ये भी एक इटालियन वर्ड से आया कौन सा था वो इटालियन वर्ड नोवेले। क्या चल नॉवेला नोवेले। <laughs> चलो तो ये नोवेले, देखो मैं आपको आप कंफ्यूज आप ना हो जाओ देखो ये जो नॉवेल वर्ड है ठीक है ये कहाँ से आया है ये आया है नोवेला से और नॉवेला कहां से आया है से कितनी सीरियस स्टडी है भाई नॉवेल आया नॉवेला से नॉवेला आया नॉवेल से ठीक है <laughs> आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ठीक कैसे होगा एक मिनट हाँ देखो, है तो बता दी इट अ टाइप ऑफ फिक्शन विच इज शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल बस नॉवेल से छोटी होती है बस और कुछ नहीं ठीक है इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट टोन इज ऑफन सीटेर एंड रियलिस्टिक चलते हैं फेमस नॉवेल आज यहाँ पे क्या करें लोग ने ना बस टाइप की अलग अलग नॉवेल का नाम और वो नॉवेल किस ला किसने लिखा है उसका नाम बताएं तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताओ ये बिलीवर्ड नॉवेल है या नॉवेल ला है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है देखो द हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉन द टर्न ऑफ स्क्रू बिलीवर्ड डे पर्ल बाय जॉन ये सब क्या है ये सब क्या है आपको एग्जाम में आएगा बताओ ये सब क्या है ये ग्रीक रोमांसेस है ये नॉवेल है ये नॉवेल ला है यह नन ऑफ दबाउ तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई ये नॉवेल ला है ठीक है आगे बढ़ते हैं. जो भी चीज देखो ने बताई ये सब कुछ वही सेम चीज पर लिखी है अब हमने पांच पड़ाओ में से तीन पड़ाव कंप्लीट कर चुके हैं दो पड़ाव बस बाकी है। टिक जाओ बस आधा घंटा रुक जाओ हो जाएगा ठीक है क्या थे अपने पांच पड़ाव जल्दी बताओ बैकग्राउंड तो हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया नॉवेल्स का उसके बाद हमने इंडियन सिनेरियो देख लिए ये पहली नॉवेल कौन सी थी वगैरह वगैरह और नॉवेल के बारे में भी देख लिया अब बस दो चीज और बाकी है एलिमेंट्स जो कि टाइप के एलिमेंट्स देखने हैं और नॉवल के टाइप्स जो कि ग्यारह टाइप के बस ये दो बार की है बाकी फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा ओके okay? तो चलो एलिमेंट से शुरू करते हैं तो एक नॉवल जब हम लिखते हैं ना तो उसमें छह टाइप की एलिमेंट्स होते व्हाट इज एलिमेंट फीचर्स बोल सकते हो आप ऐसे आप इंसान हो ना क्या चीज से बने हो आप मतलब मैं को एक इंसान बनाना है ठीक है एक इंसान बनाना है मैं क्या डालूंगी आपका सबसे पहला एलिमेंट है आपका फेस ठीक है दो आंख ये भी एक एलिमेंट है ना ना नोज माउथ फिर ये क्या पेट स्टमक जो भी होगा इसमें आ जाएगा हाथ पैर कान है ना तो बोले मैं ऐसा बता रही हूँ कि ये कैसे अलग अलग एलिमेंट्स सब एक साथ जब मिल गए तो क्या बन गया ये एक ह्यूमन बन गया है ना उसी तरीके से एलिमेंट बोलते हैं भाई कि भाई जब आप एक थीम प्लॉट कैरेक्टर सेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड लैंग्वेज तैयार कर दोगे तो आपकी कौन तैयार हो जाएगी भाई नॉवेल तैयार हो जाएगी अगर लॉन्ग स्टोरी बनानी है. और अगर शॉर्ट स्टोरी बतानी बनानी है तो नॉवेल समझ में आया एलिमेंट का मतलब क्या होता है तो अगर आपको नॉवेल या नॉवेला लिखनी है तो ये छह एलिमेंट तैयार होने चाहिए एक एक करके सब एलिमेंट को अपुन देखते हैं पहला, पहला था थीम थीम क्या होता है चिंदी चीज कोई स्टोरी आप बना रहे हो तो वो कौन सी उसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो एक ऐसी मूवी है जिसमें आप हॉरर, सस्पेंस थ्रिलर एंटरटेनमेंट रोना धोना या क्या रखना चाहते हो आपका सेंट्रल क्या है वो एक हो गया दूसरा हो गया स्टोरी इस स्टोरी में आप क्या बताना चाहते हो भाई इतनी सारी आपने पिक्चर देखे हो हर पिक्चर की कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन होती है ठीक है और उसके ही आसपास आप एक लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के कुछ भी लंबी स्टोरी बना सकते हो तो आपको मेन मोटिव बताओ तो वो ही होता है अपना थीम सो वॉट इज थीम थीम इज नथिंग बट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी जिसको हम एकदम शॉर्ट में बता सकते हैं मतलब शॉर्ट में ठीक है तो ये क्या है हाँ अब दूसरा क्या था अपना दूसरा एलिमेंट था प्लॉट प्लॉट क्या होता है एक तीन घंटे में आपको मूवी के कंपेरिजन में बताती हूँ ताकि आप अच्छे से सुनोगे तीन घंटे की एक मूवी होती है तो उसमें क्या पूरा तीन घंटे में क्या बस एक ही सीन चल रहा होता है पूरे तीन घंटे में कैसे फाइटिंग होती है क्या या पूरे तीन घंटे में बस आपका आ, इमोशनल सीन ही चल रहा है नहीं क्लाइमैक्स आता है अलग अलग सीन चेंज होते हैं जैसे शुरुआत हुई मान लो हैप्पीनेस से उसके बाद स्ट्रगल वाला फेज आया उसके बाद फाइटिंग वाला सीन आ रहा है फिर उसके बाद इमोशनल सीन आ रहा है फिर बीच में कहीं क्लाइमैक्स आया मतलब जिसमें और कुछ सस्पेंस है थ्रिलर है हॉरर है मतलब ये जो अलग अलग सीन्स होते है ना जिसको हम रिप्रेजेंट uh, कर सकते हैं ऐसा नाम देखे कि भाई अभी इमोशनल सीन चल रहा है मेरे को रोना आ रहा है अभी भाई फाइटिंग चल रही है मेरे को गुस्सा आ रहा है विलन पे तो ये प्लॉट्स आप कितने रख रहे हो आप अपनी स्टोरी में कितने प्लॉट डालना चाहोगे राइट right? तो सिंपल प्लॉट मतलब हाँ आपने बस दो तीन प्लॉट डाले खत्म कॉम्प्लेक्स प्लॉट मतलब भाई आपकी स्टोरी में भाई प्लॉट ही प्लॉट है फाइटिंग हो रही है मारधार हो रही है एंटरटेनमेंट हो रहा है फनी हो रहा है फिर मारधार हो रही है फिर इमोशनल सीन आ रहा है तो ये सब क्या होता है ये एक पार्ट होता है स्टोरी को आगे बढ़ाने का ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट है अपना प्लॉट समझ में आ गया उसके बाद क्या है भाई थर्ड है कैरेक्टर ये सब प्लॉट में जो भी लोग आ, काम करेंगे तो वो कैरेक्टर ही तो हो ना तो कैरेक्टर ऑफकोर्स दो टाइप के होते हैं वो कैरेक्टर में कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं है वो इंसान ही हो कभी कभी आपने ऐसी स्टोरीज पढ़े होंगे जिसमें एनिमल है जैसे वो स्टोरी नहीं है लायन किंग उसमें सब एनिमल्स लोग रोल प्ले कर रहे हैं एनिमल्स लोग बातें कर रहे हैं तो वो भी चलते हैं कैरेक्टर्स इट इज नथिंग नो इंसान ही होना चाहिए ओके okay? तो so, देखो दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं मेन कैरेक्टर यानी जो लोग मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं और बाकी के साइड रोल वाले ठीक है माइनर छोटे मोटे तो मेजर कैरेक्टर जो भी होते हैं प्रोटैगनिस्ट कौन होता है हीरो जो मेन कैरेक्टर है अपने स्टोरी का और एंटेग्निस्ट मतलब विलन और फिर मान लो हीरो का कोई भाई है हीरो का कोई दोस्त है या हीरो का कोई चाचा है तो वो सब कौन है वो सब माइनर करेक्टर तो जब हम स्टोरी लिखेंगे ना तो ये माइनर करेक्टर के डिटेल्स नहीं बताएगा कि वो उसके चाचा ने ये कपड़े पहना ये जूते पहना वो सब नहीं बताएगा अपन बस हीरो की डिटेल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे एंटेग्निस्ट की डिटेल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे ओके okay? तो ये हो गए अपने क्या एक दो तीन हाँ तीन एलिमेंट्स हो गए थीम मतलब सेंट्रल आइडिया दूसरा प्लॉट हो गया जो मैंने आपको बताइए अलग अलग सीन्स जो आते हैं फिर कैरेक्टर जो सीन को प्ले करेंगे, एंड देन फाइनली सेटिंग्स कहाँ प्ले करेंगे भाई कैरेक्टर्स आपने तैयार कर दिया आपने स्टोरी तैयार कर दी अपने प्लॉट तैयार कर दिए कहाँ पहाड़ों के ऊपर जाके लड़ाई करेंगे समुद्र के अंदर जाके लड़ाई करेंगे एरोप्लेन से कूद के हवा में लड़ाई करे कहाँ करेगी वो सेटिंग आपको डिसाइड करनी पड़ेगी ताकि आप लिख पाओ कि लोग लड़ रहे हैं तो उधर का एनवायरमेंट क्या है किसी के घर पे जाके लड़ाई करे जो भी तो ये होता है सेटिंग यानी बैकग्राउंड जो भी सीन है दो हीरो हीरोइन के बीच में बात हो रही तो वो लोग किधर बात कर रहे हैं घर में खड़े घर में बैठ के बात कर रहे हैं या नदी के किनारे बैठ के बात कर रहे हैं एक रिक्शा में बैठ के बात कर रहे हैं समझे क्या तो ये हो गया अपना सेटिंग के बारे में विच इज नथिंग बट द प्लेस इन विच द स्टोरी इज बिन टेकिंग प्लेस आगे बढ़ते हैं, हाँ माहौल क्या है वेदर बारिश हो रही है ठंडा आप जब मतलब जो स्टोरी लिख रहे हो वो कौन से टाइम पीरियड की स्टोरी है आ, आ, उस वक्त बारिश का सीन चल रहा है बारिश का मौसम है ठंडी का मौसम है गर्मी का मौसम है है हाँ ना हीरोइन की लाइफ क्या है भाई वो अमीर घर का हीरो आप बना रहे हो उसको कि गरीब घर का हीरो बना रहे हो समझ रहे हो तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनली फिफ्थ पॉइंट देखो एक स्टोरी जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लड़ाई बोलते है ना सब चीज अच्छी 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 चलती रहती है तो इतना मजा नहीं आता जैसे ही पिक्चर में कुछ लड़ाई लफड़ा होता है तो अपने को लगता है कि भाई कुछ हो रहा है मार धाड़ इसलिए हर पिक्चर में आप देखोगे लड़ाई का सीन होता ही होता है सो ऑफकोर्स हीरो विलन के अंदर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट आप रख रहे हो तो किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रख हीरो हीरोइन के बीच में हीरो विलन के बीच में हीरो और उसके भाई के बीच में कुछ भी हो सकता है तो कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करना है कि भाई किसका झगड़ा मैं कौन से कैरेक्टर से करूंगा सिंपल सी बात लास्ट कौन सी भाषा में मेरे को ये स्टोरी लिखनी है मतलब जो कैरेक्टर जो भी डायलॉग बोलेगे वो कैसी टोन में बोलेगे कौन सी भाषा में बोलेगे ये सब भी तो सोचना है है ना तो ये से स्टाइल में बोलेंगे है ना अगर आपने सोचो कि भाई मेरा जो हीरो है वो बिहार वाला है बिहार तो उसका डायलॉग कोई मुंबई वाला थोड़ी होगा वो बिहारी की तरह ही उसको बोलना पड़ेगा ना समझ तो आ गया तो ये हो गया एंड ऑफ़ कोर्स आप स्टोरी लिखोगे तब आपको अपना कैसा लिखना है सिंपल लैंग्वेज में हार्ड टफ जो भी है ठीक है तो ये सब थी सेटिंग्स छह टाइप की सेटिंग्स सॉरी एलिमेंट्स एलिमेंट्स सिक्स एलिमेंट्स पहला हमने देखे थीम दूसरा हमने देखे प्लॉट तीसरा देखे कैरेक्टर इसके बाद देखे सेटिंग्स देन लैंग्वेज एंड कॉन्फ्लिक्ट ओके तो ये था एलिमेंट के बारे में अब इस सेशन का लास्ट पड़ाव जो कि है टाइप्स ऑफ नोवेल नहीं लास्ट पढ़ाओ नहीं लास्ट पढ़ाओ तो अपने एग्जामिनर फेवरेट आंसर है तो देखेंगे पिछले साल जो सबसे हाई बोलते हैं ना पिछले साल जो क्वेश्चन आया है इस इस नॉवल से कैसे क्वेश्चन आए थे देखेंगे हम चलो इस टॉपिक को फटाफट कवर करते हैं टाइप्स ऑफ तो नॉवल कितने टाइप की नॉवल होती है भाई ग्यारह टाइप की नॉवल होती है ओके हाँ भाई ओके रिलेटिव सॉरी रियलिस्टिक नॉवल हो गया एक देखो यहाँ पे मैं आपको ना एकदम शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाती हूँ आगे ताकि अपना टाइम बचे देखो नाम में ही है सब रियल <coughs> मतलब क्या रियलिटी बेस ठीक है जिसको हम लिटरेचर की भाषा में नॉन फिक्शन बोलते हैं नॉन फिक्शन अगर आपको कोई बोला कि भाई मैं एक नॉन फिक्शन स्टोरी लिख रहा हूं नॉन फिक्शन स्टोरी मतलब कोई ऐसी कहानी जो रियल स्टोरी से लेके लिखी जा रही है। okay? और इमेजिनेटिव नकली को हम फिक्शन बोलते हैं तो कोई भी ऐसी कहानी जो रियलिटी है उसी को हम लिख रहे हैं सो रियलिस्टिक नॉवल हो गया मन धड़क नहीं होगा इमेजिनेटिव दूसरा है पीकार रेस रेस में क्या होता है कि अपना जो हीरो होता है ना हीरो या तो आप विलन लो मतलब मेन कैरेक्टर स्टोरी का उसमें हीरो ही पकड़ लो चलो वो एक होता है मतलब क्या वो विलन की तरह व्यवहार कर रहा है वीलन, वीलन, देखो, मैं आपके दिमाग में बात डालने की कोशिश करती हूँ आप जब विलन के बारे में सोचते हो आप कैसा सोचते हो भाई विलन तो एकदम सेल्फिश होते हैं है ना विलन लोग जो होते हैं वो एकदम सेल्फिश होते दूसरों का बुरा चाहते मार मारधार करते है ना अगर अपनी स्टोरी में जो हीरो है वो ही ये सब चीजें करे तो वो स्टोरी अपनी बन जाती है जैसे अपनी एनिमल मूवी जो आई है है ना उसमें जो हीरो है रणबीर कपूर वो यही तो कर रहा है ना मार धार गुस्सा वॉयलेंस पिकारिस की कैटेगरी में जाए कबीर सिंह में भी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट मार धार वॉय है ना गुस्सा ईगो एटीट्यूड तो वो भी उसमें तो अपनी स्टोरी में जो मेन हीरो है 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 वो ऐसा काम कर रहा है जो विलन के फीचर्स होते हैं ठीक है? फिर आता है थर्ड टाइप्स ऑफ नॉवल जो कि है हिस्टोरिकल नॉवल जो कि हिस्ट्री बेस्ड होती है हिस्ट्री बेस्ड मतलब कि अपने प्रीवियस ली कोई ऐसी घटना घटी है अपने देश में जैसे मान लो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ की कोई स्टोरी उठा के हम लिख रहे हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में या पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी तो बोलते ना ये सब हिस्ट्री है ना या इंडिपेंडेंस के ऊपर ये जो कि रियलिटी में हुआ है है ना तो नाम में ये देखो हिस्टोरिकल नॉवल मतलब ऐसी स्टोरीज में लिखी जाएगी जो ऐसी कहानी जो हिस्ट्री में हुई है अतीत में हुई है फिर आता है एपिस्टोलरी नोवेल ये तो एकदम सिंपल सी होती है इसको लेटर इसको लेटर आप बस याद रखो ऐसी इसको लेटर के थ्रू लिखा जाता है फिर आती है गोथिक नॉवल गोथिक नॉवल मतलब क्या डरावनी भाई हॉरर थ्रिलर डरावनी जो नहीं होती हॉरर थ्रिलर इसमें मतलब डेथ आत्मा चुड़ैल ये सब होगी फिर आती है ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की कहानी खुद की जुबानी अपनी जिंदगी कहानी खुद की जुबानी लिखना ठीक है इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल समझ जाओ मतलब so, की स्टोरी देन आता है एलिगोरिकल नॉवेल एक काम करते मैंने आपको आगे पढ़ाती रहती हूँ एक साथ करके देखो अभी तक मैंने आपको इतना भी पढ़ाई रियलिस्टिक नॉवल में वही लिखा है कि रियलिज्म ठीक है इसमें कैरेक्टर ये सब होते हैं

आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल मतलब वो जो पहले हुई है एपिस्टोलरी मतलब लेटर के थ्रू एपिस्ट ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है लेटिन एपिस्टोला जिसका मतलब था लेटर ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है एपिस्टोलरी ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से कौन सा लेटिन वर्ड एपिस्टोला एपिस्टोला का मतलब क्या था लेटर ठीक है गौथिक नॉवल गौथिक नॉवल में क्या होता है मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर डूम हॉन्टेड बिल्डिंग तो ये सारे फीचर्स होते हैं ठीक है डरावनी नॉवल में ऑटोबायोग्राफी बता देती खुद की कहानी खुद की जुबानी एलिगोरिकल में क्या होता है ऐसी स्टोरी जो डायरेक्टली नहीं हम बोलते ऐसी स्टोरी जो कि ना खुलेआम नहीं बता सकते किसी के बारे में वरना वो इंसान गोली मार देगा या कुछ बुरा हो सकता है एग्जाम्पल अगर आपको कुछ खबर पता चली गवर्नमेंट के कोई अंदर है इंसान मान लो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या कोई एमएलए, तो आप उसकी स्टोरी लेके लिख रहे हो और उसको उसके कैरेक्टर का बस अपने नाम चेंज कर दिए बट जो इंसान पढ़ रहा है ना वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही है बट वो डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट का एमएलए का नाम नहीं लिख सकता ये है क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखेगा तो पता है भाई क्या हो जाएगा तो ऐसे स्टोरीज लिखना जहां पे रीडर लोग पढ़ के समझ जाएगी किसकी बात हो रही है पर वो इनडायरेक्ट तरीके से लिखा होता है इसको बोलते हैं एलिगोरिकल नॉवल ये ज्यादातर हम किधर पे इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्टोरीज को लिखना ऐसी स्टोरीज को हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल स्टोरीज लिखने के वक्त रिलीजियस हिस्टोरिकल या फिलोसॉफिकल ठीक है देन है यूथोपियन यूथोपियन में क्या होता है कि कैरेक्टर्स रियल रहेंगे स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है वो रियल रहेंगे लेकिन वो जो कैरेक्टर्स को क्वालिटी दी जा रही है या कैरेक्टर्स के आसपास की जो सोसाइटी है वो नकली है जैसे हैरी पॉटर उसमें जो कैरेक्टर्स है वो रियल है इंसान है और स्टूडेंट्स है लोग कॉलेज जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं खाना खा रहे हैं ये सब हम रिलेट कर सकते हैं लेकिन भाई झाड़ू में बैठ कर झाड़ू उड़ रहा है ये तो रियलिटी बेस्ड नहीं है ना तो ऐसी स्टोरी जिसमें आप कैरेक्टर तो रियल रख रहे हो इंसान रख रहे हो लेकिन उनके आसपास आप ऐसी सोसाइटी बना रहे हो या ऐसे फीचर्स डाल रहे हो जो रियल नहीं हो सकता ठीक है वो बस आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसा करने के लिए सुपर नेचुरल पावर आप दे रहे हो ठीक है तो वो हो सकता है आप यूथोपियन स्टोरीज बना सकते जैसे वो बालवीर वाला सीरियल नहीं था मतलब सब कुछ घर की तरह ही चल रहा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके माँ बाप है ये है वो है जैसी कुछ प्रॉब्लम होगी हो बालवीर ऊपर से आसमान से आएगा नीचे और बच्चों की मदद करेगा ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है ना वो किस में जाता है यूथोपियन में कैरेक्टर रियल है बट सोसाइटी अनरियल है आगे बढ़ते हैं भाई, next है साइकोलॉजिकल यहाँ पे तो अपना वही है कि हम अगर मेन कैरेक्टर की इंटरनल लाइफ के बारे में ही बस स्टोरीज बता रहे हैं, जैसे आप मैबल आपका चैप्टर नंबर फाइव द न्यू ड्रेस मैबल वही पकड़ लो यही वाला है ठीक है मतलब ऐसे स्टोरी जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसकी ही बस चर्चा हो रही है बाकी दुनिया गई ही ऐसा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या होगा मेन कैरेक्टर के दिमाग में जो चल रहा है ये मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी जो वर्जीनिया वुल्फ जिसकी इनोवेशन जिसने की है वो ये है ठीक है और ये वर्ड किसने इन्वेंट किया है देखो वर्ड इन्वेंट किया है विलियम जेम्स ने और ये कॉन्सेप्ट वर्जीनिया वुल्फ ने लाई है तो ये आपको याद रखना है ये वर्ड देख लो लास्ट टाइप है अपना बिल्डिंग रोमन यहाँ पे देखो ये वर्ड पहले तो कहां से लिया गया है जर्मन वर्ड कौन था वो जन्मन वर्ड अच्छा वर्ड नाम नहीं दिया बस उसका मीनिंग बताया है ग्रोथ तो ऐसे स्टोरीज जिसमें क्या होते पता है इतनी लंबी स्टोरी है मान लो तो उसमें ना क्या होगा मान लो शुरुआत हुई कि हीरो बहुत छोटा सा है उसके बर्थ से फिर उसने क्या क्या किया स्ट्रगल किया कॉलेज गया स्कूल गया पैशन फॉलो किया और फाइनली वो बड़ा हो गया और एक सक्सेसफुल इंसान बन गया तो यहाँ पे देखो ये स्टोरी में क्या हुआ ये स्टोरी में शुरुआत छोटी से हुई लेकिन एंडिंग में वो बड़ा हो गया और वो सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ग्रोथ तो कोई भी ऐसे स्टोरी जहाँ पे शुरुआत जैसे एम एस धोनी पिक्चर जो है उसमें क्या है एम एस धोनी पिक्चर में क्या होता है शुरुआत कैसे हुई पिक्चर की छोटे बच्चे से ना कि वो स्कूल जा रहा है फिर वहां से उसका पैशन डेवलप हुआ क्रिकेट में फिर स्कूल लाइफ बताया कॉलेज लाइफ बताया एंड एंडिंग कैसे हुई वर्ल्ड कप जीतते हुए राइट तो वही है कि अगर आप कोई ऐसे स्टोरी बता रहे हो जहां पे ऐसा कुछ भी सीन होगा चाइल्ड से लेके अडल्ट शुरुआत आपने स्टोरी उस हीरो की बचपन से किए और एंडिंग एंडिंग आते तक आपने पूरी इसका बड़ा हो गया जो भी हो गया समझ में आ गया डेडसेट तो यहाँ पे ये अपना क्या हो जाता है ग्यारह टाइप की नॉवल खत्म हो जाती है बस अभी लास्ट में अपना क्या है भाई साइंस नॉवल डिटेक्टिव नॉवल साइंस नॉवल क्या होने लगा ये सारी नावल को ना मैगजीन के रूप में बनाया जाने लगा और ये बहुत पॉपुलर भी हुई मैगजीन मतलब देखो न्यूज़पेपर का जो आप के जो लॉन्ग बुक्स होती है उसका पेपर ये देखो ये लॉन्ग बुक है इसका पेपर और हमारा जो न्यूज़पेपर होता है वो दोनों के पेपर में बहुत फर्क होता है मतलब न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो बहुत सस्ता चीप क्वालिटी का होता है तो क्या होता है कम दाम में हम उसको बेच सकते हैं कम दाम में बेचेगा तो ज्यादा पब्लिक खरीदेगी भी तो ऐसे सब स्टोरीज़ मैगज़ीन मैगज़ीन पल्प मैगजीन इसी को बोलते हैं जो कि एकदम चीप चीप आ, पेपर से बनाई गई हो ठीक है तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में वही बताया जा रहा है कि कैसे पल्प मैगजीन भी पॉपुलर हुई ट्वेंटी सेंचुरी में ठीक है उसके बाद साइंस नॉवल एंड डिटेक्टिव नॉवल भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाने लगी साइंस नॉवल में सबसे पहली नॉवल नाम क्या था पहले भी पढ़े थे हमने फ्रेंकस्टीन रिटर्न बाय मैरी शैली कभी एट्टीन ट्वेंटी थ्री में ये साइंस नॉवल के बस कुछ फीचर्स लिखे हुए एकदम सिंपल से साइंस नाम में ही है तो फ्यूचर के बारे में बात करेगा टाइम ट्रेवल स्पेस पैरल यूनिवर्स टेक्नोलॉजी तो ऐसी कोई भी बातें अगर कोई नावल में लिखी गई है तो अपनी कौन सी नॉवल है भाई साइंस नॉवल ओके उसके बाद डिटेक्टिव डिटेक्टिव नाम में ही है जहाँ पे अगर कुछ कांड हुआ है तो वहां पे क्या सी आई घुसती है ना क्या हुआ है भाई हम पता लगाएंगे आपका जो चैप्टर नंबर फोर है द साइन ऑफ फोर पूरी डिटेक्टिव नॉवल है वो मजा आने वाला है ठीक है तो ये डिटेक्टिव नॉवल में क्या होता है भाई ये सब ही होता है है ना मर्डर हुआ है क्राइम हुआ है किसने मर्डर किया भाई पता ही नहीं लग रहा है कौन किया फिर डिटेक्टिव आते है पता लगाता है वो सब है डिटेक्टिव ठीक है जिसमें डिटेक्टिव नॉवल में शेरलॉक होम्स नाम का ये कैरेक्टर बनाया गया था कैनॉन नाम के इंसान के द्वारा ये होम्स को इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा मतलब ये असली इंसान नहीं है शेरलॉक होम ये बस एक कैरेक्टर है ऐसा कैरेक्टर जो कि डिटेक्टिव होता है और ऐसा डिटेक्टिव जो दुनिया का कैसा भी मिस्टीरियस केस हो कैसा भी केस हो ये शेरलॉक होम पता लगा ही लेता है और सॉल्व कर ही देता है ऐसा केस तो ये कैनॉन के द्वारा ये शेरलॉक होम्स का डिटेक्टिव कैरेक्टर जो बनाया गया ना भाई बहुत दुनिया भर फेमस है और बार बार इसको अलग अलग नॉवल में डाला जाता है ये भाई इस नॉवल में ना डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स है ऐसा सोचते वो तो रियल इंसान है भी तो ना यही स्टोरी की वैसे कार्टून भी आया था मैं हूं डिटेक्टिव कॉन करके आगे बढ़ते हैं बस यही सब चीज है और यहाँ पे आपकी ये नॉवल फाइनली समाप्त हो जाती है लगभग दो घंटे लग गया इसको खत्म करते करते बट फाइनली हो गया अभी क्या करते हैं फटाफट से क्वेश्चन बैंक देखते हैं और देखते हैं क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने एटीन सेंचुरी गिफ्टेड डैश एटीन सेंचुरी ने क्या गिफ्ट दिया था भाई ड्रामा एंड पोइट्री नॉवल एंड ड्रामा पोइट्री एंड नॉवल या नॉवल एंड पीडिकल एस हमारे इस नॉवल का सबसे पहला शुरुआत ही में हमने ये पढ़े थे क्या लगता है बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है जो बी इज गोइंग विद डी शुभम आल्सो गोइंग विद डी ओके मनीषा इज गोइंग विद बिल्कुल सही जवाब स्टार्टिंग में ही हमने पढ़े थे ना तो इसका आंसर है डी आगे बढ़ते हैं इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ विच कैटेगरी डोमेस्टिक वायलेंस नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यू साइंटिफिक थियोरीज या साइकोलॉजिकल इंसाइट बताओ इंडिया के जो नॉवेल्स थे वो कौन सी कैटेगरी के ऊपर लिखते थे नॉवेल्स कौन बताएगा यस yes, बिल्कुल सही जवाब कल्याणी एंड हाँ uh, जया प्रथम हर्षा यस yes. इसका आंसर है सी सॉरी बी नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज राइट गौथिक नॉवेल जो होती है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या चीजें ऐड होती है टेरर मिस्ट्री एंड थ्रिलर हॉरर एंड हॉन्टेड या सब ये सब ये तीनों में से सब कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे याद रख लो ऑब्जेक्टिव बेस मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस और क्या चाहिए भाई वन शॉट में अभी पी, पी वाई क्यू भी सॉल्व करेगा ये हो जाने बस बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर कोई बच्चा कौन सही दिया यश यादव यस, आयुष सिंह, बिल्कुल। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस गौथिक में ये सब कुछ होता है ठीक है स्ट्राइक आउट दी अननेसेसरी स्ट्राइक स्ट्राइक मतलब कहीं कट कर दो अनेसेसरी मतलब फालतू की चीज तो ये तीनों में से डिटेक्टिव फिक्शन जो होती है मैं इसका फल बताई देती हूँ ये वाला इसका आंसर आगे बढ़ते हैं वैसे इतना है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा डोंट वरी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको आता है तो देखो कैसा क्वेश्चन लिखा गया है अ अ इज रिलेटिवली डैश नैरेटिव शॉर्ट लॉन्ग या डिस्क्रिप्टिव पढ़े थे हमने नॉवेल जो होती है वो लॉन्ग होती है तो इसका आंसर रहेगा लॉन्ग इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड कौन सा था वो इटालियन वर्ड बताई थी ना नॉवेल आया है नॉवेल ला से नॉवेल ले मत कर देना नोवेल इन्होंने कौन से बुक लिखे थे जोफरी ने यस सेंटेबरी टेल्स टेल ऑफ गेंजी मुरासाकी शिकिबू ने कौन से साल में लिखे थे 1010 पिलग्रिम प्रोग्रेस कौन लिखा था नोवेल जॉन बुन्यान समझ रहे हो आपको सिखा रही हूं कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करना सब चीज को रखते मत बैठना मेन मेन चीज पे ही फोकस करना यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं दी हूँ लेकिन मैं देखना चाहती हूं कौन सा इधर ऐसा बच्चा है जो बिना ऑप्शन के से आंसर दे सकता है डैश इज दाइनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस ऑफ नॉवेल एकदम चिंदी सवाल है बता दो बिना ऑप्शन के कोई बच्चा इधर पे है जो बता सकता है यस yes, तो so सबसे फास्ट आंसर इधर पे आया है आर्यान का बिल्कुल करेक्ट वर्जिनिया वुल्फ तो आपको तैयार रहना है कि भाई एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं आया तो मेरे को बिना ऑप्शन के भी आंसर देने आना चाहिए फर्स्ट इंडियन नोवेल रिटर्न बाय वॉज राजमोहन वाइफ रिटर्न बाय होम बमकिन चंद्र चतोपाध्या जोसेफ कॉर्नेट ने कौन सी नॉवेल ला लिखे थे हार्ट ऑफ डार्कनेस साइंस फिक्शन इज द जनर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन डीलिंग विथ फ्यूचरिस्टिक सेटिंग दैट तो में होता है अर्लियर पीरियड तो होता है हिस्टोरिकल नॉवेल ठीक है फेमस ट्रायो ये सब में कौन से कॉम्बिनेशन वाले हैं मुल्कराज आनंद आर के नारायण एंड राजगुप्ता तो ये वाला आंसर करेक्ट है ये क्रोलॉजिकल ऑर्डर में इसका पीडीएफ डाल दूंगी बाकी का जो है आप अपने हिसाब से कर कदम देखो यहाँ पे ये जो चीज दिख रही देखे आंसर है ये तो ये आंसर है डी ए बी सी मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने को इसको रखना है तो पहले डी आएगा फिर बी आएगा फिर सी और फिर ए समझ गया ये इसका आंसर मैं डाल दी हूँ तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो नाज अकेडमी ऐप में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड कल या परसों एक बहुत प्यारी चीज लॉन्च होने वाली है तो तैयार रहना इंग्लिश के लिए मतलब कुछ ऐसी चीज जो मेरे द्वारा बनाई गई है और आप उसको छू सकते हो टच कर सकते हो वो चीज़ आपके घर में पहुंचेगी चलो बताओ वो क्या हो सकता है जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हो सबसे पहले तो भाई प्राउड ऑफ यू कीप इट अप दूसरी चीज आप बताओ हिंट मैंने दिया आपको क्या लगता है वो क्या चीज हो सकती है ऐसी कोई चीज जो मेरे द्वारा बनाई गई है और वो आपके घर तक बहुत सकती है और आप उसको छू सकते हो वाओ <laughs> so, तैयार रहना कल या परसों लॉन्चिंग होने वाली है वो प्यारी सी चीज की मेरे लाइफ की पहली एंड द मोस्ट बिलव थिंग चलो आगे बढ़ते हैं <laughs> वह चतुर बच्चे यार अपने पहचान लिए <laughs> हाँ बिल्कुल चलो क्या बात है एकदम सही जवाब सो तो आप में से हंड्रेड परसेंट बच्चे पहचान ही गए यस सो so, बुक है बुक हो भाई साहब इंग्लिश की जिसमें जो आपकी प्रॉब्लम है इंग्लिश की जो आपकी प्रॉब्लम है वही उसका समाधान है मतलब वहाँ पे मैंने वो सब चीज नहीं डालू कि भाई चैप्टर्स वो सब आपको इशू नहीं होता है मुझे पता है वो सब आपका इशू होता है किसमें आपको तो पैसेज में से चैप्टर के आंसर ढूंढ के निकाल लोगे प्रॉब्लम आपको आती है कहा वो पता चलेगा कल लॉन्चिंग के वक्त तो याद रखना यार कोशिश करना कि कैसे भी करके आपको उठाना है क्योंकि मैंने वो बुक को ऐसे तैयार करी हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी बुक बनाऊं आप उसको बस एग्जाम तक पढ़ो और फिर खत्म मतलब वो ऐसी किताब है जो आप अपने डिग्री के फर्स्ट ईयर में भी चले जाओगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो भी वो आपको काम आएगी इस माइंडसेट से मैंने बताई बनाई वो बुक ठीक है तो कल पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ इस बुक की एंड क्या है अंदर फीचर्स जो भी है कल होगा कल या तो परसों ठीक है कल या तो परसों होगा टाइम वाइम सब कुछ आपको इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप चैनल पे टेलीग्राम पे हर जगह शेयर कर दिया जाएगा जब भी लॉन्चिंग होगी ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में नॉवल नंबर वन से ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप कैसे आ सकते हैं तो देखो नॉवल इज रिक्ज एज द मोस्ट डोमिनेंट यस बिल्कुल इसका आंसर ट्रू है नॉवल इज रिलेटिवली शॉर्ट नहीं भाई शॉर्ट नहीं होता है लॉन्ग होता है फॉल्स इसका आंसर टेल ऑफ गेंज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट नॉवल यस ट्रू ठीक है समझ गए ना तो अभी देखो बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इधर पर डाली हूँ आप पीडीएफ डाउनलोड करके बैठ के इसकी रीडिंग करना मैचअप बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दी हूँ सब कुछ जितने भी बन सकते हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं सब कुछ डाल दी हूं okay? ये टेस्ट बुक का है। हाँ। अब हम आते हैं हम आपका फेवरेट पार्ट पिछले साल यानी फ़रवरी 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें इस नॉवेल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे सो ये क्वेश्चन चलो आगे टॉपर की आंसर शीट बताने से पहले पहले आप खुद इसको सॉल्व करके बताओ क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो मैच द फॉलोइंग आया था मैच द कॉलम बताओ आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन किससे मैच करूं बता और को कहां पे लगाऊं किसको कहाँ लगाऊं कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो दो घंटे से आते तो मैराथन हो गया यार अपना सोचो मैराथन के टाइम कितना लंबा चलेगा कौन है कौन है सॉल्व कर पा रहे हो कौन करेगा जल्दी बताओ यस बिल्कुल तो देखो साक्षी सिद्धि ने करेक्ट आंसर दिया फ्रेंकस्टीन नोवेल किसने लिखा मैरी शेली ने पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बुनियान ने ठीक है ओरुनोकू आफ्रा बेन और हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉन्ड तो ये इसका आंसर है ओके अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है द ब्लैंक्स नॉवेल विद द एलिमेंट ऑफ हॉरर ब्लड शेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड देखो कितना चिंदी क्वेश्चन आ गया है डरावनी नॉवल कौन सी होती है वो ग्यारह में से कौन सी नॉवल है गोथिक इसका आंसर है ठीक है जर्मन वर्ड बिल्डिंग रोमन कहा से आया सॉरी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है ग्रोथ अपनी जो ग्यारहवीं नॉवल थी ना जिसमें एम एस धोनी का एग्जाम्पल दी वो है इसका आंसर ग्रोथ है बताई थी ना अरे अरे यार कितना सवाल कितने elements होते एक novel के अरे भाई अपोजिट फोर्स इन स्टोरी स्ट्रगल मतलब भाई लड़ाई झगड़ा हीरो विलन के अंदर होना ये एलिमेंट का कौन सा नाम है अरे भाई कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट ठीक है सोचो तो इस साल तो भाई इजी सवाल आ गया है मतलब सॉरी पिछले साल डाटा सी इस साल कैसे सवाल आए गए मतलब ऐसे ही आए गए एकदम बहुत टफ भी मत समझो बेसिक लेवल के इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस पीपीटी पी पी, -पी, -पी में डाली हूँ ना भाई अच्छे से याद कर लो सब कुछ है भाई है। सब कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको इसमें नहीं मिलेगी जितना कुछ हो सकता है पूरी की पूरी नॉवल का एक्सप्लेनेशन अलोंग विथ कलरफुल नोट्स डायग्राम उसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पी, पी सब और कुछ नहीं चाहिए आपको ओके इसको डाउनलोड करो नाज एकेडमी में जाके डेट सीट अब एक बार चलो देख लेते हैं कि आपको अटैम्प कैसे कर बस ऐसे लिख दिए थे बच्चों ने जो पिछले साल के थे ठीक है मैच द फॉलोइंग कैसे लिखना होता है आपको पता ही है ना बचपन में आपको टेंथ में सिखाई होगी कि आपको जो भी आंसर है उसका ऐसा आगे लिखना होता है तो ओरुनो को का आंसर क्या था अफराबेन हार्ट ऑफ डार्कनेस का था जोसेफ फ्रेंकास्टीन का था मैरी शेली तो ऐसा करके लिख देना समझ में आई बात उसके अलावा ट्रू फॉल्स आई सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स गॉथिक ग्रोथ सिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक है समझ गया ऐसा आंसर लिख देने का देखो दोनों टॉपर है दोनों तरीके दोनों ने ऐसे ही लिखे सेम टू सेम तो मैच नहीं करना वो मैच जो मैंने आपको करके बताई थी वो शॉर्टकट था ताकि आप लोग अपना टाइम बचे आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना होता है द फॉलोइंग ओके तो ये सब चीज भी बताती हूँ ताकि आप लोग को साइमल्टेनियसली पता भी चल जाए कि एट द एंड मैं इतना पढ़ रहा हूँ बैठ के सेल्फ स्टडी करता हूँ लेक्चर्स देखता हूँ नोट्स बनाता हूँ एट द एंड ये सब चीज मेरे को एग्जाम में पेपर में लिख के आनी है और वहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया तो फिर सोचो कितना बुरा लगेगा सो इज डेटी सब ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ आप लोगों के लिए ओके okay? इसी के साथ बस आज के लिए इतना काफी है एंड फाइनली वी आर डन विद वन ऑफ योर नॉवल नंबर वन हिस्ट्री ऑफ नॉवल आई होप यू लाइक सेशन एंड अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो कमेंट तो करना ही पड़ेगा बिना कमेंट comment... मतलब यहां तक आपने वीडियो देखे हो और आपने कमेंट नहीं किए भले इतना डाल दो कि आई वॉट फुल लेक्चर आई हैव अंडरस्टूड लिखो बट आई वॉन्ट योर कमेंट ओके कुछ भी डाउट है कुछ भी समस्या है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो इसका पीपीटी जो है मैं आपको एक बार बता देती हूँ देख लो आपको जाना है नाज एकेडमी ऐप जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है उसका लिंक प्ले स्टोर में भी जाके डाउन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना डॉक्यूमेंट्स पे जाना क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश पे उसके बाद वन शॉर्ट सीरीज और फिर नॉवेल वन और के सामने ये पूरा पीडीएफ हो जाएगा ओपन ठीक है पूरा एज इट इज वहीं से उठा के मैं ही आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वही सेम यहीं से मैंने खुद डाउनलोड करी ठीक है चलो तो आज के लिए इतना काफी है एंड बाय नहीं बोलने से पहले रुक जाओ यस यस ऑफ़ कोर्स आज अपने क्लास, नौ बजे की क्लास है अभी कितना बज गया आठ तो बज गए क्योंकि <laughs> ऑफ़ कोर्स नॉवेल बड़ी होती है ना क्या करेंगे अभी अभी मैं एकदम चेन्नई एक्सप्रेस बन के पढ़ाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा फिर मतलब नहीं है ना तो नौ बजे अपना ग्रामर होगा शॉर्ट में ही होता है वैसे भी अपना ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, तो आ जाना कुछ भी डाउट है तो पूछो एंड हाँ बहुत से बच्चे मैं देख रही हूँ इधर पे भाई अलग ही कमेंट चलता रहता हूँ लोग का खुद <laughs> ही एक दूसरे से लड़ रहे नंबर मांग रहे है ना क्या है भाई पढ़ाई में ध्यान दो पढ़ो लिखो जरा आई एस बनो टीचर का माँ बाप का नाम रोशन करो ठीक है और क्लास टूल्व बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है पूरा साल तो तो आपने अगर किए टाइम वेस्ट हो हो गया ये हो गया ये तो अभी भी चांस है भाई मौके पे चौका मारो ठीक है बाउंस बैक करो अभी भी आपके पास टाइम है इसके साथ आज का सेशन ही पर समाप्त करती हूँ बुक लॉन्चिंग के लिए तैयार रहना एंड अपना प्यार दिखाना so,